Yeah. हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पोनियन सेल वन वन यानी कि पी वन तो इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है साथ ही में तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम ये सभी जो वर्जन से वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग इन सभी के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी साथ ही में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कितना हो सकता है ओपनिंग फिल्म को कितनी मिल सकती है उसके ऊपर एक प्रडिक्सन दिया जाएगा इसके अलावा इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है उनके बारे में बातचीत की जाएगी उनके कैरेक्टर के ऊपर बातचीत की जाएगी इसके अलावा इस फिल्म की कहानी का एक प्रडिक्सन दिया जाएगा साथ ही में इस फिल्म की जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी बातचीत होने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक सर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं पोनियन सेलवन वन और पी एस वन पी एस वन शॉर्ट फॉर्म में वहीं पे पोनियन सेलवन का मीनिंग होता है सन ऑफ पोनी पोनी का बेटा और ये जो पोनियन सेलवन सीरीज़ है उसका पहला पार्ट है ये एक 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एपिक पीरियड एक्शन फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में तो बनाया गया है लेकिन तेलुगु मलयालम कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन में डब्ड करके रिलीज़ किया जाएगा तो ये एक बड़े बजट के साथ आने वाली एक बड़ी तमिल लैंग्वेज पेन इंडिया फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मनी रत्नम ने जो एक ऑलरेडी बहुत बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने अपनी काफ़ी सारी फिल्मों के तहत पूरे इंडिया में तहलका का मचाया हुआ था मणि रत्नम का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जहाँ पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी सालों से मेहनत की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया वो उनका ही है वैसे तो पोनियन सेलवनकर करके एक बुक थी नोवेल थी 1955 में लिखी हुई थी कल की कृष्णा मूर्ति के द्वारा तो उनके द्वारा ही इस फिल्म की कहानी लिखी गई है उस बुक के ऊपर ही फिल्म की कहानी आधारित है जहाँ पे इस फिल्म को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है पी एस वन और पी एस टू और इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बी जया मोहन ने लिखे हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो मनी रत्नम और इलांगो कुमारवेल ने लिखा हुआ है डायलॉग्स ओरिजिनल जो डायलॉग्स है तमिल वाले वो भी जया मोहन ने लिखे हुए अदरवाइज दूसरे लैंग्वेज के लिए अलग अलग डायलॉग लिखने वाले आर्टिस्ट को हायर किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो मनी रत्नम खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे उनके साथ एल्हराजा सुबह कारन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है मद्रास टोकीज और लाइका प्रोडक्शन तो ये दो प्रोडक्शन कंपनीज है उसके नीचे इस फिल्म को करीबन 500 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है तो ये एक वन ऑफ दी बिग बजट फिल्म में से एक फिल्म है जहाँ पे तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्मों में से एक फिल्म तो है ही साथ ही में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्मों में से भी एक फ़िल्म है और जिसे पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो रेड जाइंट मूवीज़ इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी वहीं पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएसन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले श्री गोकुल मूवीज़ को इस फिल्म के केरला के राइट्स दिए गए वहीं पे लाइका प्रोडक्शन इस फिल्म को टेन कोट्टा करके एसोसिएशन किया हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ ओवरसीज में वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ पे लाइका प्रोडक्शन खुद इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स में से एक है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स तो काफ़ी बड़े हैं तब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म को कितनी स्क्रीन्स मिलती है किस लेवल पर रिलीज किया जाता है वैसे ये फिल्म हिंदी में विक्रम वेदा करके जो ऋतिक रोशन सैफ अली खान स्टार फिल्म है उसके साथ क्लेश हो रही है तो हिंदी लैंग्वेज में वो एक बड़ी फिल्म आ रही है हालांकि विक्रम वेदा ऑलरेडी तमिल फिल्म का ही रीमेक है जिसको तमिल में 2017 में विजय सेतुपति और आर माधवन को लेकर बनाया हुआ था उसी फिल्म का ये रीमेक है तो अब देखने वाली बात यह है कि उस फिल्म की भी हाइप काफ़ी बड़ी है और पोनियन सेलवन अपनी फिल्म के साथ मनी रत्न इस फिल्म के साथ हिंदी लैंग्वेज में ऑडियंस के सामने एक नया एक्सपीरियर एक्सपीरियंस लाने वाले तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों के साथ वो किस तरह से कितना बेहतर वे में कनेक्ट करवा पाते कितनी स्क्रीन हासिल कर पाते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो फिल्म में काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और उन कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स को साइन किया हुआ है जहाँ पे कास्टिंग की शुरुआत करे विक्रम से तो विक्रम ने आदिता कार्यकालन का रोल प्ले किया हुआ है जो क्राउन प्रिंस है कमांडर है नॉर्थन ट्रूप के सुदर्शन जो चोला रिजन है वहाँ के वो कमांडर है और सुंदरा चोला के वो सबसे बड़े बेटे जहाँ पे अरुल मोलीवरगम और कुंदरवर्ग के एल्डर ब्रदर है अब जया जयाम रवि जो अरुण मौलिवरमन का रोल प्ले कर रहे हैं जो उनका भाई है वहीं पे कार्थी ने मानथिया थेलवन का रोल प्ले किया हुआ है अरुण मोलीवरन ए के पोनियन सेलवन वो रोल उनका है बाद में वो ग्रेट किंग राजा राजा चोला के नाम से जाने जाएंगे और वो यंगेस्ट सन है सुंदर चोला के और आदित्य कारिकलन और कुदरवेल के यंगर ब्रदर है कार्थी ने इस फिल्म में जो वाथिर वानथिर यार थेवन का जो रोल प्ले किया हुआ है वो एक ब्रेव एडवि एडवेंचरस और सार्केस्टिक वॉरियर प्रिंस है वानर क्लैन के इसके अलावा ईश्वर इस राय बच्चन डबल रोल में दिखाई देंगे ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक तो है नंदनी का दूसरा है पलुवित राय का और उनका जो यंगर वर्जन है वो सारा अर्जुन ने प्ले किया हुआ है यंग नंदनी वाला रोल वो पल्लुवर की क्वीन है नंदनी वाला किरदार और पेरिया की वाइफ है वहीं पे आदित्य कारिकलन का लव इंटरेस्ट है पल्लू वेतरायन वो रोल भी उन्होंने प्ले किया हुआ है मंदाकिनी देवी भी इस फिल्म में आपको सिंगारा नाचियार के रोल में दिखाई देंगी त्रिशा ने इस फिल्म में कुंदाबाई का रोल प्ले किया हुआ है जो इलैया पिराटी के नाम से भी जानी जाएगी इस फिल्म में और चोला की प्रिंस है और आ, जो सुंदर चोला का एम्पर है उसकी डॉटर है और वलयरन का लव इंटरेस्ट है ऐश्वर्या लक्ष्मी आपको पुंगुलाली पुंगु लाली के रोल में दिखाई देंगे जो समुथी राकुमारी का रोल प्ले कर रही है इसके अलावा सोबिता धुलीपाला आपको वानथी का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी प्रभु ने इस फिल्म में पेरिया वेल्लर बुद्धि विक्रम केसरी का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार ने इस फिल्म में पेरिया पल्लू वेत्तरायल का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम प्रभु को पार्थिबेन पल्लवान का रोल दिया गया है जो आदित्य कार्यकरण के फ्रेंड है इसके अलावा जयराम ने इस फिल्म में अल्लावर कर अल्लावरका नम्बी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे फिल्म में आपको और भी काफ़ी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे प्रकाश राजे सुंदर चोला के रोल में दिखाई देंगे रेहमान ने मधुर टक्का उत्तम चोला का रोल प्ले किया हुआ है आर पार्थिबन आपको चिन्ना वित्तरायल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अश्विन काकुमन ने इस फिल्म में सेंथन अमुडन का रोल प्ले किया हुआ है अश्विन राव आपको कदम आरन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे नीलागल रवि ने इस फिल्म में पर शाम्बूवर का वरियर का रोल प्ले किया हुआ है लाल को इस फिल्म में तिरुकोलियर मल्यामन का रोल दिया गया है विजय कुमार ने इस फिल्म में विजया लाल चोला का रोल प्ले किया हुआ है विद्या सुब्रमण्यम ने इस फिल्म में वानवन महान देवी का रोल प्ले किया हुआ है जया चित्रा को इस फिल्म में सेम्बियान महादेवी का रोल दिया गया है ए के पेरिया पीरत्ती के नाम से भी जानी जाएगी नजर ने इस फिल्म में वीरा पांडियन का रोल प्ले किया हुआ है किसर को रवि रविदसान का रोल दिया गया था रियाज खान ने इस फिल्म में सोमन संभवन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे विनय कुमार को इस फिल्म में परमेश्वरन और वन ऑफ़ ऑफ़ मेंबर पांडियन अब्दुवल का रोल दिया गया था निम्मी राफेल इस फिल्म में रकमाल का रोल प्ले करती नजर आएंगी मोहन रामन ने इस फिल्म में कुदन थी चौथीगर दर का रोल प्ले किया हुआ है विनोदिनी वैद्यनाथन ने इस फिल्म में वासुकी का रोल प्ले किया हुआ है जो नंदनी की मेड है मास्टर रघुवन ने इस फिल्म में पांड्या प्रिंस का रोल प्ले किया हुआ है बाबू एंटनी को इस फिल्म में राष्ट्रकूटा किंग का रोल दिया गया है इसके अलावा मकरंद देश पांडे आपको चीप कालमुगर का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे इनके अलावा अर्जुन चिदम्बरम विजय यशुदास अमजद खान और बालाजी शक्तिवेल ये सभी लोग भी आपको अलग अलग किरदार में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो जैसे कि मैंने बताया कि 500 करोड़ के बजट के साथ में इस फिल्म को बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक बुक के ऊपर लिखा हुआ है सिनेमेटोग्राफी वो रवि वर्मन की देखने को मिलेगी एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है और बताया जा रहा है कि इस फिल्म का रन टाइम 170 मिनट है यानी कि दो घंटे 50 मिनट का इस फिल्म का ये पहला पार्ट देखने को मिलेगा इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ए रहमान ने काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए फिल्म में आपको टोटल छः छः गाने सुनने को मिलेंगे सभी वर्जनस में जिसके जो राइट्स है वो खरीदे हुए टिप्स म्यूज़िक ने सभी वर्जनस के लिए अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के तहत इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है जहाँ पे सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काल की कृष्णमूर्ति के बुक के ऊपर से बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म का एक एडेप्टसन लिया हुआ है सिनेमेटिक लिबर्टी के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को करीबन दो पार्ट में बेचा गया है जिसमें अलग अलग किरदार के लिए अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 2010 से इस फिल्म के डायरेक्टर मनी रत्नम काम करते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बारीकी डिटेल के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे पहले इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाने वाले थे जहाँ पे मनी रत्नम खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें फाइनलाइज की गई थी जहाँ पे टेक्नीसियन में म्यूज़िक के डिपार्टमेंट ए आर रहमान को दिया गया था सिनेमाटोग्राफी संतोष सिवान को दी गई थी एडिटर ए श्रीकार प्रसाद फिक्स किए गए थे आर्ट डायरेक्टर सब रेल को फिक्स किया गया था लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा था और उसके बाद में इस फिल्म के साथ काफ़ी लंबे समय तक थोड़ा बहुत काम चलता रहा लेकिन प्रॉपर वे में जो काम स्टार्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा था उसके बाद में जनवरी 2019 में फिल्म के ऊपर थोड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली जहाँ पे मनी रत्नम ने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को पोनियन सिलवन नाम के साथ दो पार्ट में रिलीज़ करेंगे जहाँ पर उनके साथ इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने वाले लाइका प्रोडक्शन जहाँ पे इससे पहले चेका चिवंता वनम फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलने वाले जैसे कि विक्रम विजय सेतुपति जयम रवि जहाँ पे वो कुछ लीड रोल्स प्ले करने वाले थे सीलम्बर रसन को क्रूसल रोल दिया गया था अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्य राय को इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए साइन किया गया था तो इस तरह से इस फिल्म के जो मुख्य किरदार है उसके लिए कास्टिंग की जा रही थी लेकिन फिल्म में बाद में एक मेजर चेंज देखने को मिला अप्रैल 2019 में जहां पे विजय सेतुपति ने इस फिल्म के प्रोजेक्ट से साइड ले ली क्योंकि उनकी शेड्यूल है वो मैच नहीं हो थी। रही थी उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारी फिल्में साइन कर रखी थी जिसकी बदौलत बाद में उनको रिप्लेस किया कार्थी ने और इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी जहाँ पे इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन भी देखने को मिलने वाली थी तो ये कुछ आर्टिस्ट फिक्स किए गए थे लेकिन बाद में ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुई तब अनुष्का सेट्टी वहाँ पे नहीं थी पहले जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी वहाँ पे अनुष्का सेट्टी का नाम आया था लेकिन बाद में वो नाम चेंज हो गया और उसके बाद बताया जा रहा था कि अमला पोल वो रोल प्ले करेगी लेकिन और उसके ऊपर भी प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिली थी लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार फिक्स था वेटेरन एक्टर आर पार्थिबन जयराम को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल दिए गए थे इलांगो कुमार वेल ने अनाउंस किया था कि वो इस फिल्म को स्क्रीन प्ले वो को राइटर है उसके तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही थी बाद में काफी सारे और भी चेंजेस हो रहे थे और उसी के बीच में सभी फिक्सिंग की गई थी सभी आर्टिस्ट की लेकिन फिर से बाद में कुछ ऐसी चीजें आई जहाँ पे एडिशनल कास्टिंग के तहत त्रिशा कृष्णन को रोल दिया गया ऐश्वर्या लक्ष्मी को लाया गया विक्रम प्रभु को इम्पोर्टेंट किरदार के लिए साइन किया गया जहाँ पे सीलम्बर असन और दूसरे आर्टिस्ट थे उनको चेंज करते हुए इन आर्टिस्ट को फिक्स किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पचास किरदार कम से कम आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे पोनियन सेलवन के जो पूरा एक पूरे कई सालों का जो हिस्ट्री दिखाया हुआ है उसमें इतने किरदार वो मेन रहने वाले जिसमें पंद्रह तो फिक्स है वो लीड एक्टर से इस फिल्म में पंद्रह ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और फिल्म की कहानी में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो इसी बदौलत इसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स चाहिए थे जिसके लिए तो काफ़ी हैवी बजट चाहिए था तो सौ करोड़ में तो फिल्म बनने से रही थी उसके बाद में इस फिल्म का बजट धीरे धीरे बढ़ाते गए जहाँ पे ये फ़िल्म फाइनली पाँच करोड़ के बजट के साथ बनी हुई है अब इस फिल्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पहला पार्ट ही इस फिल्म का बताया जा रहा है कि 500 करोड़ का है तो अब देखने वाली बात यह कि दूसरा पार्ट कितना बड़ा और कितने बड़े बजट के साथ बनाया जाएगा और ये सभी चीज़ें डिपेंड रहेगी पहले पार्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर उसके सक्सेस के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो ग्यारह दिसंबर दो को कराबी कंचम्बुरी में स्टार्ट की गई थी इसके अलावा कुछ थाईलैंड के दूसरे लोकेशंस में भी फिल्म को शूट किया था वहाँ पे इस फिल्म को करीबन 40 दिन शूट किया हुआ था पहला शेड्यूल जनवरी 2020 तक कंप्लीट करवाया हुआ था दूसरे शेड्यूल को चेन्नई में ही स्टार्ट किया गया था बाद में इस फिल्म को पाण्डिचेरी में भी शूट किया हुआ था और इस फिल्म के सेकंड शेड्यूल को तीन फरवरी दो में पाण्डिचेरी से स्टार्ट करते हुए कंप्लीट करवाया हुआ था करीबन छः दिन का वो शेड्यूल था उसके बाद उसका नेक्स्ट शेड्यूल हैदराबाद में ले जाया गया था वहाँ पर इस फिल्म को दस फरवरी से शूटिंग स्टार्ट की गई थी और उसको पूरा शूटिंग है वो रामोजी फिल्म सिटी में सेट किया हुआ था सेकंड शेड्यूल है वो उसको 16 छब्बीस फरवरी 2020 को कंप्लीट किया हुआ था उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के साथ शूटिंग के पोर्शन के ऊपर काम करते रहे कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म रुक भी गई थी बीच में उसके बाद में फिर से फिल्म को रिज्यूम सितंबर 2020 तक किया गया था वहाँ पे कुछ शूटिंग को श्रीलंका में भी किया हुआ था कुछ रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए पूरी शूटिंग शूटिंग को धीरे धीरे कम्प्लीट करवा रहे थे उसी के बीच में फिल्म के जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका था तीन फरवरी दो को इस फिल्म का एक स्पेशल नंबर था जो त्रिशा को लेकर और दूसरे ढाई सौ आर्टिस्ट थे जिसको लेकर एक ह्यूज सेट क्रिएट करके उसको रामाजी फिल्म सिटी में फिल्माया गया था इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग शेड्यूल के तहत हैदराबाद चेन्नई पौंडीचेरी और ऐसे अलग अलग लोकेशंस को लेकर फिल्म को शूट किया हुआ था अगस्त महीने में फ़िल्म को मध्य प्रदेश में कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जैसे कि और छा ग्वालियर जैसे कहीं अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में लेट अगस्त 2021 में जयाम रवि विक्रम ने अपने अपने पोर्स को पूरी तरह से कम्प्लीट कर दिया था उसके बाद में इस फिल्म को महेश्वर ले जाया गया जहाँ पे कुछ एक और बड़ा शेड्यूल रखा गया था कार्तिक त्रिशा का और उसके बाद में 4 सितंबर 2021 में रहमान ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के काफ़ी सारे पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं उन्होंने काफ़ी सारे पोर्सन्स के लिए म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने एक दो सॉन्ग्स का कंपोजिशन भी प्रॉपर वे में सेट कर कर दिया है तो इस तरह से इस फिल्म का काम किया जा रहा था मार्च 2022 तक फिल्म का मोस्ट ऑफ काम शूटिंग कंप्लीट हो चुका था लेकिन थोड़ा पेच वर्क बाकी था जिसको कंप्लीट करने में सात दिन लगे थे तो मार्च दो के एंड तक पूरी तरह से फिल्म को शूट करवा लिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन में सत्ताईस सेप्टेम्बर दो से डबिंग का काम स्टार्ट किया हुआ था त्रिसा ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अपनी डबिंग के लिए खुद वॉइस दी हुई है वहीं पे कुंदा वही का जो रोल है और पुगोल वही का जो रोल है वो रोल वो प्ले कर रहे तमिल वर्जन में उनका खुद वॉइस ओवर सुनने को मिलेगा विक्रम ने अपने लिए टोटल पाँच लैंग्वेजिस में डब किया हुआ है उन्होंने तमिल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज तेलुगू लैंग्वेज मलयालम और कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए खुद वॉइस ओवर किया हुआ है वहीं पर जाए रवि कार्थी ने अपने लिए तमिल और तेलुगु वर्जन में डब किया, किया तो मेहनत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट काफी बड़ा है इस फिल्म का, काफी मेसिव और एक बड़ा बैकबोन माना जाएगा इस फिल्म के लिए क्योंकि जो इस फिल्म का थीम है उसमें बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके बीजीएम तो इसको 2021 हजार में बी और सॉन्ग्स को कंपोज किया गया था पंच रिकॉर्ड इन और एम स्टूडियो चेन्नई में जहाँ पे तमिल लैंग्वेज में पहले बनाया गया था जिसके राइट्स टिप्स म्यूजिक को काफ़ी बड़ी रकम में बेचे गए थे ए आर रेहमान है वो इस फिल्म के म्यूजिक कंपोज़र है जिन्होंने इस फिल्म में टोटल छः गानों को कंपोज किया हुआ है तो ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पे पहला गाना है पौन्नी नादी तमिल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ पौन्नी नादी जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए इलांगो कृष्णन ने वहीं पर सिंगर थे ए आर रहमान ए आर रेहानन ब्रह्मा बाक्या सत्यन प्रकाश और इस फिल्म का दूसरा गाना चोला चोला जिसके लिरिक्स लिखे हुई लांगो कृष्णा ने सिंगर थे अभ्यंकर नकुल वी महालिंगम और सत्य प्रकाश तीसरा गाना था मामनी, जिसके लिरिक्स लिखे का थे काबिलान ने सिंगर थे श्रेया घोषाल पलक्कड़ श्री राम महेश विनायकरण चौथा गाना था सोल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णी कृतिका नेल्सन ने सिंगर थे रक्षिता सुरेश पांचवा गाना था अलाई कडल जिसके लिरिक्स लिखे हुए शिवा आनंद ने सिंगर थे अंतर आनंद छठा गाना था देवर लाल जिसके लिरिक्स लिखे इलांगो कृष्णन ने और सिंगर थे योगी शेखर वहीं पर इस फिल्म के हिंदी ट्रैक के बारे में बात करें तो सभी गानों को हिंदी में भी रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे सभी गानों की जो लिरिक्स है वो महबूब ने लिखे हुए थे पहला गाना था कावेरी से मिलने उसको गाया हुआ है रहमान स्वागत राठौड़ और पूजा तिवारी ने दूसरा गाना है चोला चोला जिसको गाया हुआ है विशाल मिश्रा और स्वागत राठौड़ ने तीसरा गाना है राक्षस मामा रे जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल शान मुखर्जी और महेश विनायक करम ने चौथा गाना बोल जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने वहीं पे पांचवा गाना है डूबी डूबी जिसको गाया हुआ अंतरा नंदी ने छठा गाना है देवरलाल नाच जिसको गाया हुआ है सुदीप जयपुर वाले ने तो इस तरह से इन गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है दूसरे सभी जैसे कि तेलुगु मलयालम कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए अलग अलग सिंगर और लिरिशि के पास इस गानों को रिक्रिएट करवाया हुआ था ए रहमान के थ्रू साउंड ट्रैक फिलहाल में सुनने में ऐसा नजर आ रहा है कि डिसेंट है लेकिन ये सभी गाने अगर जब फिल्म के साथ चलेंगे तो मेरी मानना है कि ये और बेहतर वे में उन सभी सीन्स को निखार के लाएंगे फिल्म का बीजीएम फिल्म के गाने फिल्म को बेहतर वे में सपोर्ट करने वाले और करना ही चाहिए तभी इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो आइडिया है वो और निखर के आ पाएगा इस फिल्म की मार्केटिंग के पीछे भी काफ़ी मेहनत की जा रही है अलग अलग समय पे अलग अलग एक्टर्स के थ्रू जैसे कि चीफ गेस्ट के तौर पर ट्रेलर और सॉन्ग जो रिलीज़ किए थे तब रजनीकांत और कमल हसन को बुलाया गया था तो इस तरह से काफ़ी बड़े एक्टर्स को लेकर उनके साथ काम करवाया जा रहा है जैसे कि कमल हसन जी ने तमिल वर्जन में जो वॉइस ओवर ट्रेलर में सुनने को मिल रहा है वो उन्होंने दिया हुआ है वहीं पर हिंदी वर्जन के लिए अनिल कपूर ने दिया हुआ था तेलुगु वर्जन के लिए राना दगुबाती ने दिया हुआ था पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म के का मलयालम वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है और जयंत कालकिन ने इस फिल्म के लिए कनाडा वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म को काफ़ी मेसिव वे में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हिंदी वर्जन में रोडा बना हुआ है वो है ए विक्रम वेदा वो भी ऋतिक रोशन स्टारर तो वो फिल्म का भी बस मार्केट में अच्छा चल रहा है वहीं पे ये फिल्म मार्केट में उतनी गर्म नहीं है पी वन साउथ इंडियन लैंग्वेज लें इसके बारे में तो नहीं पता लेकिन हिंदी वर्जन में उसका बस जीरो है तो अब जीरो बस के साथ इस फिल्म को अगर इतने बड़े बजट की फिल्म को रिलीज करोगे तो काफ़ी मुश्किल आने वाली है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का कंटेंट थिएटर पे कितना बोलता है कितनी स्क्रीन्स मिलती है हिंदी वर्जन में स्टार्टिंग में बहुत कम स्क्रीन्स मिलने वाली क्योंकि इस फिल्म की सभी स्क्रीन से वो बहुत कम इसलिए रहेगी क्योंकि सबसे बड़ी मेन रीजन है विक्रम वेदा ऋतिक रोशन स्टार और वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेगी इसके अलावा फिलहाल में जो ये फिल्म चल रही है यानी कि काफ़ी सारी फिल्में हिंदी वर्जन में चल रही है जिसमें से अभी फिलहाल में जिस तरह से ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र चल रहे तो उसको भी थोड़ी स्क्रीन्स दी जाएगी तो उस हिसाब से इस फिल्म को काफ़ी कम स्क्रीन्स मिलने वाले अब देखते हैं कि इतनी स्क्रीन्स में ये फिल्म कितना कमाल कर पाती है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर और इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स और कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी कितने में बिके थे उसके बारे में इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है तीस सेप्टेम्बर दो को यू सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बजट करीबन पाँच करोड़ जितना बताया जा रहा है तो इतने बड़े बजट के साथ इस फिल्म को लाया जा रहा है जहाँ पे इस फिल्म के बजट को रिकवर करने के लिए कम से कम इस फिल्म को कम से कम 800 करोड़ का तो कलेक्शन करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म अपना जितना बजट डाला हुआ है उतना कवर कर सकती है थिएटर से अदरवाइज़ वैसे तो इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स को काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया है जहाँ पे ओ टी राइट्स पांच लैंग्वेज के लिए 125 करोड़ में बिके हुए तो एक अच्छी बात है इस फिल्म के जो ओ टी राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए हैं बड़ी रकम दे के वहीं पर सेटेलाइट राइट्स से है साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए सन टी वालों ने ख़रीदे हुए सभी वर्जनस के वहीं पर हिंदी वर्जन के बारे में अभी तक पता नहीं चला है तो पहले इस फिल्म के म्यूजिक सैटेलाइट और टी बेच दिए तो काफ़ी सारा प्रॉफिट वहाँ से आएगा लेकिन थिएटर पे इस फिल्म को रन करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो सकती है वैसे इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में बड़ी ओपनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता कार्थी है विक्रम है ज्याम रवि है इतने तीन बड़े दिग्गज स्टार है तो ये तीन एक्टर्स मिलकर वैसे ही इस फिल्म को बढ़िया से बढ़िया ओपनिंग दिलवा देंगे इस फिल्म के पहले दिन की ओपनिंग सभी लैंग्वेज की वर्ल्ड वाइड जो ओपनिंग रहेगी वो करीबन सत्तर से अस्सी करोड़ की कम से कम होने वाली अब देखने वाली बात ये है कि ये इससे और कितने बड़े लेवल पर आगे जाके फिल्म बड़ी हो पाती है और ये सभी चीज़ें जब फिल्म रिलीज होगी तीस सेप्टेम्बर दो को उसके पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर डिपेंड करेगा जैसा ही वर्ड ऑफ माउथ रहा फिल्म उस कदर उस लेवल पर आगे जाके बड़ी होने वाली क्योंकि काफ़ी सारी लैंग्वेज में फिल्म रिलीज हो रही पांच लैंग्वेजेस में तो इस फिल्म को वैसे अगर पॉजिटिव ऑफ माउथ मिला तो ये फिल्म वैसे ही बड़ा कलेक्शन करके देगी भले ही धीरे धीरे लेकिन जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो स्क्रींस बढ़ेगी सभी लैंग्वेजेस में और तमिल लैंग्वेज में भी ये फिल्म स्टेडी रहेगी अदरवाइज तीन दिनों में फिल्म गिर सकती है अगर ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म पहले तीन दिनों में ही दो सौ करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन कर सकती है सभी वर्जन का मिला के डेढ़ सौ से दो सौ करोड़ का वहीं पर मंडे से पता चलेगा कि फिल्म वो लोगों को कितने पसंद आ रही है अगर वहाँ पर ये फिल्म स्टेडी रही तो ये फिल्म एक लंबा रन ले सकती है और आठ सौ से हजार करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम का कलेक्शन करके दे सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर मेकर्स ने किस तरह से कितना काम किया हुआ है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लोगों को यह कंटेंट कितना इंगेजिंग और एंटरटेनिंग नज़र आता है और इस फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए वो कितने उत्सुक हो पाते हैं अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को काफी बड़े पैमाने पे रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे एक ऐसी पहली तमिल फिल्म है जिसको आई में रिलीज किया जा रहा है वैसे इस फिल्म को मई जुलाई 2022 में लाने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी फिल्में रिलीज हो रही थी प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी डिले हो रहा था इसकी वजह से इस फिल्म को डिले किया गया पोस्टपोन किया गया जहाँ पे फाइनली अब ये फिल्म तीस सेप्टेम्बर दो को थिएटर में लग रही है इस फिल्म के ओ राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने एक करोड़ में खरीदे हुए सभी लैंग्वेजेस

तो थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद ये फिल्म सन टीवी के जितनी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज की चैनल है जैसे कि तमिल तेलुगु, मलयालम, कन्नडा वर्जन के लिए वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पे साइमेंटेसली हिंदी वर्जन में कोई बड़े हिंदी लीडिंग टेलीविज़न चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के पास इस फिल्म के ओ टी राइट्स है सभी लैंग्वेज के लिए हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्सन्स के लिए तो ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी थिएट्रिकल रिलीज़ के दो तीन महीनों के बाद विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर सेटेलाइट राइट सन टी के पास है साउथ इंडियन लैंग्वेज़ के लिए तो वहाँ पे फिल्म अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए सन टी के अलग अलग चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद प्रीमियर करवाई जाएगी ठीक सेम साइमेंट इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बड़े लीडिंग टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओ टी और थिएटर के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे पोनियन सेलवन वन और पी एस वन पी एस वन शॉर्ट फॉर्म में वहीं पे पोनियन सेलवन का मीनिंग होता है सन ऑफ पोनी पोनी का बेटा और ये जो पोनियन सेलवन सीरीज है उसका पहला पार्ट है ये एक 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एपिक पीरियड एक्शन फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में तो बनाया गया है लेकिन तेलगू मलयालम कन्नड़ा और हिंदी इन सभी वर्जन में डब्ड करके रिलीज़ किया जाएगा तो ये एक बड़े बजट के साथ आने वाली एक बड़ी तमिल लैंग्वेज पेन इंडिया फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मनीर रत्नम ने जो एक ऑलरेडी बहुत बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने अपनी काफ़ी सारी फिल्मों के तहत पूरे इंडिया में तहलका मचाया हुआ था मनी रत्नम का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जहाँ पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी सालों से मेहनत की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया वो उनका ही है वैसे तो पोनियन सिलवनकर करके एक बुक थी नोवेल थी 1955 में लिखी हुई थी कल की कृष्णा मूर्ति के द्वारा तो उनके द्वारा ही इस फिल्म की कहानी लिखी गई है उस बुक के ऊपर ही फिल्म की कहानी आधारित है जहाँ पे इस फिल्म को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है पी वन और पी और इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बी जया मोहन ने लिखे हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो मनी रत्नम और इलांगो कुमारवेल ने लिखा हुआ है डायलॉग्स ओरिजिनल जो डायलॉग्स है तमिल वाले वो बी जया मोहन ने लिखे हुए अदरवाइज दूसरे लैंग्वेज के लिए अलग अलग डायलॉग लिखने वाले आर्टिस्ट को हायर किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो मनी रत्नम खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे उनके साथ एल्ह राजा सुबाकारन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है मद्रास टोकीज़ और लाइका प्रोडक्शन तो ये दो प्रोडक्शन कंपनीज है उसके नीचे इस फिल्म को करीबन 500 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है तो ये एक वन ऑफ दी बिग बजट फिल्म में से एक फिल्म है जहाँ पे तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्मों में से एक फिल्म तो है ही साथ ही में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्मों में से भी एक फ़िल्म है और जिसे पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो रेड जाइंट मूवीज इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी वहीं पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले श्री गोकुल मूवीज़ को इस फिल्म के केरला के राइट्स दिए गए वहीं पे लाइका प्रोडक्शन इस फिल्म को टेन कोट्टा करके एसोसिएशन किया हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ ओवरसीज में वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ पे लाइका प्रोडक्शन खुद इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स में से एक है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स तो काफ़ी बड़े हैं तब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म को कितनी स्क्रीन्स मिलती है किस लेवल पर रिलीज किया जाता है वैसे ये फिल्म हिंदी में विक्रम वेदा करके जो ऋतिक रोशन सैफ अली खान स्टार फिल्म है उसके साथ क्लेश हो रही है तो हिंदी लैंग्वेज में वो एक बड़ी फिल्म आ रही है हालांकि विक्रम वेदा ऑलरेडी तमिल फिल्म का ही रीमेक है जिसको तमिल में 2017 में विजय सेतुपति और आर माधवन को लेकर बनाया हुआ था उसी फिल्म का ये रीमेक है तो अब देखने वाली बात ये है कि उस फिल्म की भी हाइप काफ़ी बड़ी है और पोनियन सेलवन अपनी फिल्म के साथ मनी रत्नम इस फिल्म के साथ हिंदी लैंग्वेज में ऑडियंस के सामने एक नया एक्सपेरिमेंट्स एकस्विर्म, लाने वाले तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों के साथ वो किस तरह से कितना बेहतर वे में कनेक्ट करवा पाते हैं कितनी स्क्रीन्स हासिल कर पाते फिल्म की कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो फिल्म में काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और उन कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स को साइन किया हुआ है जहाँ पे कास्टिंग की शुरुआत करें विक्रम से तो विक्रम ने आदित्या कार्यकालन का रोल प्ले किया हुआ है जो क्राउन प्रिंस है कमांडर है नॉर्थन ट्रोप के सुदर्शन जो चोला रीजन है वहाँ के वो कमांडर है और सुंदरा चोला के वो सबसे बड़े बेटे है जहाँ पे अरुल मोलीवरगम और कुंदरवर्ग के एल्डर ब्रदर है अब जया जयाम रवि जो अरुण मोलिवरमन का रोल प्ले कर रहे हैं जो उनका भाई है वहीं पे कार्थी ने मानथिया थेलवन का रोल प्ले किया हुआ है अरुल मोलीवरन ए के पोनियन सेलवन वो रोल उनका है बाद में वो ग्रेट किंग राजा राजा चोला के नाम से जाने जाएंगे और वो यंगेस्ट सन है सुंदर चोला के और आदित्य कारिकलन और कुदारवेल के यंगर ब्रदर है कार्थी ने इस फिल्म में जो वाथिर वानथिर यार थेवन का जो रोल प्ले किया हुआ है वो एक ब्रेव एडवेट एडवेंचरस और सार्केस्टिक वॉरियर प्रिंस है वानर क्लैन के इसके अलावा ईश्वर राय बच्चन डबल रोल में दिखाई देंगी ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक तो है नंदनी का दूसरा है पलुवे रायन का और उनका जो यंगर वर्जन है वो सारा अर्जुन ने प्ले किया हुआ है, यंग नंदिनी वाला रोल वो पल्लुवर की क्वीन है नंदनी वाला किरदार और पेरिया की वाइफ है वहीं पे आदित्य कारिकलन का लव इंटरेस्ट है पल्लू वेतरायन वो रोल भी उन्होंने प्ले किया हुआ है मंदाकिनी देवी भी इस फिल्म में आपको सिंगारा नाचियार के रोल में दिखाई देंगी त्रिशा ने इस फिल्म में कुंदाबाई का रोल प्ले किया हुआ है जो ल, इलैया पिराटी के नाम से भी जानी जाएगी इस फिल्म में और चोला की प्रिंस है और जो सुंदर चोला का एम्प्रर है उसकी डॉटर है और वलैया रन का लव इंटरेस्ट है ऐश्वर्या लक्ष्मी आपको पुंगुलाली पुंगुलाली के रोल में दिखाई देंगे जो समूथी का रोल प्ले कर रही है इसके अलावा सोविता धुलीपाला आपको वानथी का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी प्रभु ने इस फिल्म में पेरिया वेल्लर बुद्धि विक्रमा केसरी का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार ने इस फिल्म में पेरिया पल्लुवेत्तराय का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम प्रभु को पार्थिबेन पल्लवन का रोल दिया गया है जो आदित्य कार्यकरण के फ्रेंड है इसके अलावा जयराम ने इस फिल्म में अल्लाक अल्लावर काडियन नम्बी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे फिल्म में आपको और भी काफ़ी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे प्रकाश राजे सुंदर चोला के रोल में दिखाई देंगे रेहमान ने मधुर टक्का उत्तमा चोला का रोल प्ले किया हुआ है आर पार्थिबन आपको चिन्ना पल्लुवित्तरयल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अश्विन काकुमन ने इस फिल्म में सेंथन अमुडन का रोल प्ले किया हुआ है अश्विन राव आपको कदम आरन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे नीलागल रवि ने इस फिल्म में कदम पर सांबुवर का वरियर का रोल प्ले किया हुआ है लाल को इस फिल्म में तिरुकोलियर मल्यामन का रोल दिया गया है विजय कुमार ने इस फिल्म में विजया लान चोला का रोल प्ले किया हुआ है विद्या सुब्रमण्यम ने इस फिल्म में वानवन महान देवी का रोल प्ले किया हुआ है जया चित्रा को इस फिल्म में सेम्बियान महादेवी का रोल दिया गया है एक पेरिया पीराती के नाम से भी जानी जाएगी नजर ने इस फिल्म में वीरा पांडियन का रोल प्ले किया हुआ है किसर को रवि रविदसान का रोल दिया गया था रियाज खान ने इस फिल्म में सोमन संभवन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे विनय कुमार को इस फिल्म में परमेश्वरन और वन ऑफ़ ऑफ़ मेंबर पांडियन अब्दूव का रोल दिया गया था निम्मी राफेल इस फिल्म में रकमाल का रोल प्ले करते नजर आएंगे मोहन रामन ने इस फिल्म में कुदन थी गदर का रोल प्ले किया हुआ है विनोदिनी वैद्यनाथन ने इस फिल्म में वासुकी का रोल प्ले किया हुआ है जो नंदनी की मेड है मास्टर रघुवन ने इस फिल्म में पांड्या प्रिंस का रोल प्ले किया हुआ है बाबू एंटनी को इस फिल्म में राष्ट्रकूटा किंग का रोल दिया गया है इसके अलावा मकरंद देश पांडे आपको चीप कालमुगर का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे इनके अलावा अर्जुन चिदम्बरम विजय यशुदास अमजद खान और बालाजी शक्तिवेल ये सभी लोग भी आपको अलग अलग किरदार में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो जैसे मैंने बताया कि 500 करोड़ के बजट के साथ में इस फिल्म को बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक बुक के ऊपर लिखा हुआ है सिनेमेटोग्राफी है वो रवि वर्मन की देखने को मिलेगी एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है और बताया जा रहा है कि इस फिल्म का रन टाइम 170 मिनट है यानी कि दो घंटे 50 मिनट का इस फिल्म का ये पहला पार्ट देखने को मिलेगा इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए फिल्म में आपको टोटल छः छः गाने सुनने को मिलेंगे सभी वर्जनस में जिसके जो राइट्स है वो खरीदे हुए टिप्स म्यूजिक ने सभी वर्जनस के लिए अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के तहत इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए हुए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काल की कृष्णमूर्ति के बुक के ऊपर से बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म का एक एडेप्टेशन लिया हुआ है सिनेमेटिक लिबर्टी के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को करीबन दो पार्ट में बेचा गया है जिसमें अलग अलग किरदार के लिए अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 2010 से इस फिल्म के डायरेक्टर मनी रत्नम काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बारीकी डिटेल के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे पहले इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाने वाले थे जहाँ पे मनी रत्नम खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें फाइनलाइज की गई थी जहाँ पे टेक्नीसियन में म्यूजिक की डिपार्टमेंट ए आर रहमान को दिया गया था सिनेमेटोग्राफी संतोष सिवान को दी गई थी एडिटर प्रसाद फिक्स किए गए थे आर्ट डायरेक्टर सब रेल को फिक्स किया गया था लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा था और उसके बाद में इस फिल्म के साथ काफ़ी लंबे समय तक थोड़ा बहुत काम चलता रहा लेकिन प्रॉपर वे में जो काम स्टार्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा था उसके बाद में जनवरी 2019 में फिल्म के ऊपर थोड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली जहाँ पे मनी रत्नम ने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को पोनियन सिलवन नाम के साथ दो पार्ट में रिलीज करेंगे जहाँ पे उनके साथ इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने वाले लाइका प्रोडक्शन जहाँ पे इससे पहले चेका चिवंता वनम फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलने वाले थे जैसे कि विक्रम विजय सेतुपति जयम रवि जहाँ पे वो कुछ लीड रोल्स प्ले करने वाले थे सीलम्बर रसन को क्रूसल रोल दिया गया था अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए साइन किया गया था तो इस तरह से इस फिल्म के जो मुख्य किरदार है उसके लिए कास्टिंग की जा रही थी लेकिन फिल्म में बाद में एक मेजर चेंज देखने को मिला अप्रैल 2019 में जहाँ पे विजय सेतुपति ने इस फिल्म के प्रोजेक्ट से आ, साइड ले ली क्योंकि उनकी शेड्यूल है वो मैच नहीं हो रही थी उन्होंने ऑलरेडी काफी सारी फिल्में साइन कर थी जिसकी बदौलत बाद में उनको रिप्लेस किया कार्थी ने और इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी जहाँ पे इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन भी देखने को मिलने वाली थी तो ये कुछ आर्टिस्ट फिक्स किए गए थे लेकिन बाद में ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुई तब अनुष्का शेट्टी वहाँ पे नहीं थी पहले जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी वहाँ पे अनुष्का शेट्टी का नाम आया था लेकिन बाद में वो नाम चेंज हो गया और उसके बाद बताया जा रहा था कि अमला पोल वो रोल प्ले करेगी लेकिन और उसके ऊपर भी प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिली थी लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार फिक्स था वेटेरन एक्टर आर पार्थिबन जया राम को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल दिए गए थे इलांगो कुमारवेल ने अनाउंस किया था कि वो इस फिल्म को स्क्रीन प्ले वो को राइटर है उसके तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही थी बाद में काफ़ी सारे और भी चेंजेस हो रहे थे और उसी के बीच में सभी फिक्सिंग की गई थी सभी आर्टिस्ट की लेकिन फिर से बाद में कुछ ऐसी चीज़ें आई जहाँ पे एडिशनल कास्टिंग के तहत त्रिशा कृष्णन को रोल दिया गया ऐश्वर्या लक्ष्मी को लाया गया विक्रम प्रभु को इम्पोर्टेंट किरदार के, के लिए साइन किया गया जहाँ पे हसन और दूसरे आर्टिस्ट थे उनको चेंज करते हुए इन आर्टिस्ट को फिक्स किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पचास किरदार कम से कम आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे पोनियन सेलवन के जो पूरा एक पूरे कई सालों का जो हिस्ट्री दिखाया हुआ है उसमें इतने किरदार वो मेन रहने वाले जिसमें पंद्रह तो फिक्स है वो लीड एक्टर से इस फिल्म में पंद्रह ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है और फिल्म की कहानी में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं तो इसी बदौलत इसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स चाहिए थे जिसके लिए तो काफ़ी हैवी बजट चाहिए था तो सौ करोड़ में तो फिल्म बनने से रही थी उसके बाद में इस फिल्म का बजट धीरे धीरे बढ़ाते गए जहाँ पे ये फिल्म फाइनली पाँच सौ करोड़ के बजट के साथ बनी हुई है अब इस फिल्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पहला पार्ट ही इस फिल्म का बताया जा रहा है कि 500 करोड़ का है तो अब देखने वाली बात यह कि दूसरा पार्ट कितना बड़ा और कितने बड़े बजट के साथ बनाया जाएगा और ये सभी चीज़ें डिपेंड रहेगी पहले पार्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर उसके सक्सेस के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो ग्यारह दिसंबर दो को कराबी कंचम्बुरी में स्टार्ट की गई थी इसके अलावा कुछ थाईलैंड के दूसरे लोकेशंस में भी फिल्म को शूट किया था वहाँ पे इस फिल्म को करीबन 40 दिन शूट किया हुआ था पहला शेड्यूल जनवरी 2020 तक कंप्लीट करवाया हुआ था दूसरे शेड्यूल को चेन्नई में ही स्टार्ट किया गया था बाद में इस फिल्म को पाण्डिचेरी में भी शूट किया हुआ था और इस फिल्म के सेकंड शेड्यूल को तीन फरवरी दो में पौंडीचेरी से स्टार्ट करते हुए कम्प्लीट करवाया हुआ था करीबन छः दिन का वो शेड्यूल था उसके बाद उसका नेक्स्ट शेड्यूल हैदराबाद में ले जाया गया था वहाँ पर इस फिल्म को दस फरवरी से शूटिंग स्टार्ट की गई थी और उसको पूरा शूटिंग है वो रामोजी फिल्म सिटी में सेट किया हुआ था सेकंड शेड्यूल है वो उसको 16 छब्बीस फरवरी 2020 को कंप्लीट किया हुआ था उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के साथ शूटिंग के पोर्शन के ऊपर काम करते रहे कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म रुक भी गई थी बीच में उसके बाद में फिर से फिल्म को रिज्यूम सेप्टेम्बर दो तक किया गया था वहाँ पर कुछ शूटिंग को श्रीलंका में भी किया हुआ था कुछ रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए पूरी शूटिंग शूटिंग को धीरे धीरे कम्प्लीट करवा रहे थे उसी के बीच में फिल्म के जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका था तीन फरवरी 2021 को इस फिल्म का एक स्पेशल नंबर था जो त्रिशा को लेकर और दूसरे ढाई सौ आर्टिस्ट थे जिसको लेकर एक ह्यूज सेट क्रिएट करके उसको रामाजी फिल्म सिटी में फिल्माया गया था इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग शेड्यूल के तहत हैदराबाद चेन्नई पौंडीचेरी और ऐसे अलग अलग लोकेशंस को लेकर फिल्म को शूट किया हुआ था अगस्त महीने में फिल्म को मध्य प्रदेश में कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जैसे कि और वरछा ग्वालियर जैसे कई अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में लेट अगस्त 2021 में जयाम रवि विक्रम ने अपने अपने पोर्शंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में इस फिल्म को महेश्वर ले जाया गया जहाँ पे कुछ एक और बड़ा शेड्यूल रखा गया था काती त्रिशा का और उसके बाद में 4 सितंबर 2021 में रहमान ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के काफ़ी सारे पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं उन्होंने काफ़ी सारे पोर्संस के लिए म्यूजिक स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने एक दो सॉन्ग्स का कंपोजिशन भी प्रॉपर वे में सेट कर कर दिया है तो इस तरह से इस फिल्म का काम किया जा रहा था मार्च 2022 तक फिल्म का मोस्ट ऑफ काम शूटिंग कंप्लीट हो चुका था लेकिन थोड़ा पेच वर्क बाकी था जिसको कंप्लीट करने में सात दिन लगे थे तो मार्च 2022 के एंड तक पूरी तरह से फिल्म को शूट करवा लिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन में 27 सितंबर 2021 से डबिंग का काम स्टार्ट किया हुआ था त्रिशा ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अपने डबिंग के लिए खुद वॉइस दी हुई है वहीं पर कुंदा वही का जो रोल है और पुगोल वर का जो रोल है वो रोल वो प्ले करे तमिल वर्जन में उनका खुद वॉइस ओवर सुनने को मिलेगा विक्रम ने अपने लिए टोटल पांच लैंग्वेज में डब किया हुआ है उन्होंने तमिल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज तेलुगु लैंग्वेज मलयालम और कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए खुद वॉइस ओवर किया हुआ है वहीं पे जयाम रवि कार्ती ने अपने लिए तमिल और तेलुगु वर्जन में डब किया हुआ है बाकी सभी वर्जन के लिए उनके डबिंग आर्टिस्ट चूज किए हुए हैं तो इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने भी काफ़ी बारीकी डिटेल के साथ इस फिल्म में मेहनत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है इस फिल्म का काफ़ी मेसिव और एक बड़ा बैकबोन माना जाएगा इस फिल्म के लिए क्योंकि जो इस फिल्म का थीम है उसमें बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके बीजीएम तो इसको 2021 22 में बी और सॉन्ग्स को कंपोज किया गया था पंच चंदन रिकॉर्ड इन और एम स्टूडियो चेन्नई में जहाँ पे तमिल लैंग्वेज में पहले बनाया गया था जिसके राइट्स टिप्स म्यूजिक को काफ़ी बड़ी रकम में बेचे गए थे ए आर रेहमान है वो इस फिल्म के म्यूजिक कंपोज़र है जिन्होंने इस फिल्म में टोटल छः गानों को कंपोज किया हुआ है तो ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पे पहला गाना है पोनी नाधी तमिल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ पोन्नी नाधि जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए इलांगो कृष्णन ने वहीं पे सिंगर थे ए आर रहमान ए आर रेहनन ब्रह्म ब्रह्मा बाकिया सत्यन प्रकाश और इस फिल्म का दूसरा गाना चोला चोला जिसके लिरिक्स लिखे हुए लांगो कृष्णा ने सिंगर थे अभियान कर नकुल वीए महालिंगम और सत्य प्रकाश तीसरा गाना था रच्चासा मामनी जिसके लिरिक्स लिखे थे काबिलान ने सिंगर थे श्रेया घोषाल पलक्कड़ श्रीराम महेश विनायकन चौथा गाना था सोल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णी कृतिका नेल्सन ने सिंगर थे रक्षित सुरेश पांचवा गाना था अलाई डल जिसके लिरिक्स लिखे हुए शिवा आनंद ने सिंगर थे अंतर आनंद छठा गाना था देवरान उत्तम जिसके लिरिक्स लिखे हुए इलांगो कृष्णन ने और सिंगर थे योगी शेखर वहीं पे इस फिल्म के हिंदी ट्रैक के बारे में बात करें तो सभी गानों को हिंदी में भी रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे सभी गानों की जो लिरिक्स है वो महबूब ने लिखे हुए थे पहला गाना था कावेरी से मिलने उसको गाया हुआ है रहमान स्वागत राठौड़ और पूजा तिवारी ने दूसरा गाना है चोला चोला जिसको गाया हुआ है विशाल मिश्रा और स्वागत राठौड़ ने तीसरा गाना है राक्षस मामारे जिसको गाया हुआ श्रेया घोषाल शान मुखर्जी और महेश विनायक करम ने चौथा गाना बोल जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने वहीं पे पांचवा गाना है डूबी डूबी जिसको गाया हुआ अंतरा नंदी ने छठा गाना है देवरलाल नाच जिसको गाया हुआ सुदीप जयपुर वाले ने तो इस तरह से इन गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है। दूसरे सभी जैसे कि तेलुगु मलयालम कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए अलग अलग सिंगर और लिरिस के पास इस गानों को रिक्रिएट करवाया हुआ था ए रहमान के थ्रू साउंड ट्रेक फिलहाल में सुनने में ऐसा नजर आ रहा है कि डिसेंट है लेकिन ये सभी गाने अगर जब फिल्म के साथ चलेंगे तो मेरे मानना है कि ये और बेहतर वे में उन सभी सीन्स को निखार के लाएंगे फिल्म का बीजीएम फिल्म के गाने फिल्म को बेहतर वे में सपोर्ट करने वाले और करना ही चाहिए तभी इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो आइडिया है वो और निखर के आ पाएगा इस फिल्म की मार्केटिंग के पीछे भी काफ़ी मेहनत की जा रही है अलग अलग समय पे अलग अलग एक्टर्स के थ्रू जैसे कि चीफ गेस्ट के तौर पे ट्रेलर और सॉन्ग जो रिलीज़ किए थे तब कि रजनीकांत और कमल हसन को बुलाया गया था तो इस तरह से काफ़ी बड़े एक्टर्स को लेकर उनके साथ काम करवाया जा रहा है जैसे कि कमल हसन जी ने तमिल वर्जन में जो वॉइस ओवर ट्रेलर में सुनने को मिल रहा है वो उन्होंने दिया हुआ है वहीं पर हिंदी वर्जन के लिए अनिल कपूर ने दिया हुआ था तेलुगु वर्जन के लिए राना दगुबाती ने दिया हुआ था पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म के का मलयालम वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है और जयंत कालकिन ने इस फिल्म के लिए कन्नड़ा वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है फिल्म को काफी मेसिव वे में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हिंदी वर्जन में रोडा बना हुआ है वो है ए विक्रम वेदा वो भी ऋतिक रोशन स्टारर तो वो फिल्म का भी बस मार्केट में अच्छा चल रहा है वहीं पे ये फिल्म मार्केट में उतनी गर्म नहीं है पी एस वन साउथ इंडियन लैंग्वेज के बारे में तो नहीं पता लेकिन हिंदी वर्जन में उसका बस जीरो है तो अब जीरो बस के साथ इस फिल्म को अगर इतने बड़े बजट की फिल्म को रिलीज़ करोगे तो काफ़ी मुश्किलेंत आने वाली है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का कंटेंट थिएटर पे कितना बोलता है कितनी स्क्रीन्स मिलती है हिंदी वर्जन में स्टार्टिंग में बहुत कम स्क्रीन्स मिलने वाली क्योंकि इस फिल्म की सभी स्क्रीन से वो बहुत कम इसलिए रहेगी क्योंकि सबसे बड़ी मेन रीजन है विक्रम वेदा ऋतिक रोशन स्टार और वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेगी इसके अलावा फ़िलहाल में जो ये फिल्म चल रही है यानी कि काफ़ी सारी फिल्में हिंदी वर्जन में चल रही है जिसमें से अभी फ़िलहाल में जिस तरह से ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र चल रहे तो उसको भी थोड़ी स्क्रीन्स दी जाएगी तो उस हिसाब से इस फिल्म को काफ़ी कम स्क्रीन्स मिलने वाले अब देखते हैं कि इतनी स्क्रीन्स में ये फिल्म कितना कमाल कर पाती है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर और इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स और कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी कितने में बिके थे उसके बारे में इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है तीस सेप्टेम्बर दो को यूएस सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बजट करीबन पाँच करोड़ जितना बताया जा रहा है तो इतने बड़े बजट के साथ इस फिल्म को लाया जा रहा है जहाँ पे इस फिल्म के बजट को रिकवर करने के लिए कम से कम इस फिल्म को कम से कम 800 करोड़ का तो कलेक्शन करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म अपना जितना बजट डाला हुआ है उतना कवर कर सकती है थिएटर से अदरवाइज वैसे तो इस फिल्म के ओ टी राइट्स सेटेलाइट राइट्स को काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया है जहाँ पे ओ टी राइट्स पांच लैंग्वेज के लिए 125 करोड़ में बिके हुए तो एक अच्छी बात है इस फिल्म के जो ओ टी टी है वो Amazon प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए है बड़ी रकम्स देके वहीं पे सैटेलाइट राइट्स से साउथ इंडियन लैंग्वेज इसके लिए सन TV वालों ने खरीदे हुए हैं सभी वर्जनस के वहीं पे हिंदी वर्जन के बारे में अभी तक पता नहीं चला है तो पहले इस फिल्म के म्यूजिक सैटेलाइट ओ टी टी राइट बेचती है तो काफ़ी सारा प्रॉफिट वहाँ से आएगा लेकिन थिएटर पे इस फिल्म को रन करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म एक अच्छी खासे प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो सकती है वैसे इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में बड़ी ओपनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता कार्थी है विक्रम है ज्याम रवि है इतने तीन बड़े दिग्गज स्टार है तो ये तीन एक्टर्स मिलकर वैसे ही इस फिल्म को बढ़िया से बढ़िया ओपनिंग दिलवा देंगे इस फिल्म के पहले दिन की ओपनिंग सभी लैंग्वेज की वर्ल्ड वाइड जो ओपनिंग रहेगी वो करीबन सत्तर से अस्सी करोड़ की कम से कम होने वाली अब देखने वाली बात ये है कि ये इससे और कितने बड़े लेवल पर आगे जाके फिल्म बड़ी हो पाती है और ये सभी चीज़ें जब फिल्म रिलीज होगी तीस सेप्टेम्बर दो को उसके पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर डिपेंड करेगा जैसा ही वर्ड ऑफ माउथ रहा फिल्म उस कदर उस लेवल पर आगे जाके बड़ी होने वाली क्योंकि काफ़ी सारी लैंग्वेज में फिल्म रिलीज हो रही है पांच लैंग्वेज में तो इस फिल्म को वैसे अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला तो ये फिल्म वैसे ही बड़ा कलेक्शन करके देगी भले ही धीरे धीरे लेकिन जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो स्क्रीन्स बढ़ेगी सभी लैंग्वेजेस में और तमिल लैंग्वेज में भी ये फिल्म स्टेडी रहेगी अदरवाइज तीन दिनों में फिल्म गिर सकती है अगर ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म पहले तीन दिनों में ही दो करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन कर सकती है सभी वर्जन का मिला के से दो करोड़ का वहीं पर मंडे से पता चलेगा कि फिल्म वो लोगों को कितने पसंद आ रही है अगर वहाँ पर ये फिल्म स्टेडी रही तो ये फिल्म एक लंबा रन ले सकती है और आठ से हजार करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दे सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर मेकर्स ने किस तरह से कितना काम किया हुआ है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लोगों को ये कंटेंट कितना एंगेजिंग और एंटरटेनिंग नजर आता है और इस फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए वो कितने उत्सुक हो पाते हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को काफी बड़े पैमाने पे रिलीज किया जा रहा है जहाँ पे एक ऐसी पहली तमिल फिल्म है जिसको आई में रिलीज किया जा रहा है वैसे इस फिल्म को मई जुलाई 2022 में लाने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी फिल्में रिलीज हो रही थी प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी डिले हो रहा था इसकी वजह से इस फिल्म को डिले किया गया पोस्टपोन किया गया जहाँ पे फाइनली अब ये फिल्म तीस सेप्टेम्बर दो को थिएटर में लग रही है इस फिल्म के ओ राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने एक करोड़ में खरीदे हुए सभी लैंग्वेजेस

तो थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद ये फिल्म सन टीवी के जितनी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज की चैनल है जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा वर्जन के लिए वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पे साइमेंटेसली हिंदी वर्जन में कोई बड़े हिंदी लीडिंग टेलीविज़न चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के पास इस फिल्म के ओ टी, -टी राइट्स है सभी लैंग्वेज के लिए हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्सन्स के लिए तो ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी थिएट्रिकल रिलीज़ के दो तीन महीनों के बाद विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर सेटेलाइट राइट्स सन टी के पास है साउथ इंडियन लैंग्वेज़ के लिए तो वहाँ पे ये फिल्म अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए सन टीवी के अलग अलग चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद प्रीमियर करवाई जाएगी ठीक सेम साइमेंटेस्टली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बड़े लीडिंग टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओ टी और थिएटर के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे पोनियन सेलवन वन और पी एस वन पी एस वन शॉर्ट फॉर्म में वहीं पे पोनियन सेलवन का मीनिंग होता है सन ऑफ पौनी पौनी का बेटा और ये जो पोनियन सेलवन सीरीज़ है उसका पहला पार्ट है ये एक 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एपिक पीरियड एक्शन फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में तो बनाया गया है लेकिन तेलुगू मलयालम कन्नड़ा और हिंदी इन सभी वर्जन में डब्ड करके रिलीज किया जाएगा तो ये एक बड़े बजट के साथ आने वाली एक बड़ी तमिल लैंग्वेज पेन इंडिया फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मनी रत्नम ने जो एक ऑलरेडी बहुत बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने अपनी काफ़ी सारी फिल्मों के तहत पूरे इंडिया में तहलका मचाया हुआ था मनी रत्नम का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जहाँ पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी सालों से मेहनत की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया वो उनका ही है वैसे तो पोनियन सेलवन करके एक बुक थी नोवेल थी 1955 में लिखी हुई थी कल की कृष्णा मूर्ति के द्वारा तो उनके द्वारा ही इस फिल्म की कहानी लिखी गई है उस बुक के ऊपर ही फिल्म की कहानी आधारित है जहाँ पर इस फिल्म को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है पी वन और पी और इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बी जया मोहन ने लिखे हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो मनी रत्नम और इलांगो कुमारवेल ने लिखा हुआ है डायलॉग्स ओरिजिनल जो डायलॉग्स है तमिल वाले वो बी जया मोहन ने लिखे हुए अदरवाइज दूसरे लैंग्वेज के लिए अलग अलग डायलॉग लिखने वाले आर्टिस्ट को हायर किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो मनी रत्नम खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे उनके साथ एल्हराजा राजा कारन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है मद्रास टोकीज़ और लाइका प्रोडक्शन तो ये दो प्रोडक्शन कंपनीज है उसके नीचे इस फिल्म को करीबन 500 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है तो ये एक वन ऑफ दी बिग बजट फिल्म में से एक फिल्म है जहाँ पे तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्मों में से एक फिल्म खे खे तो है ही साथ ही में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्मों में से भी एक फ़िल्म है और जिसे पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो रेड जाएं मूवीज इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी वहीं पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले श्री गोकुल मूवीज़ को इस फिल्म के केरला के राइट्स दिए गए वहीं पे लाइका प्रोडक्शन इस फिल्म को टेन कोट्टा करके एसोसिएशन किया हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ ओवरसीज में वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ पे लाइका प्रोडक्शन खुद इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स में से एक है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स तो काफ़ी बड़े हैं तब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म को कितनी स्क्रीन्स मिलती है किस लेवल पर रिलीज किया जाता है वैसे ये फिल्म हिंदी में विक्रम वेदा करके जो ऋतिक रोशन सैफ अली खान स्टार फिल्म है उसके साथ क्लेश हो रही है तो हिंदी लैंग्वेज में वो एक बड़ी फिल्म आ रही है हालांकि विक्रम वेदा ऑलरेडी तमिल फिल्म का ही रीमेक है जिसको तमिल में 2017 में विजय सेतुपति और आर माधवन को लेकर बनाया हुआ था उसी फिल्म का ये रीमेक है तो अब देखने वाली बात यह है कि उस फिल्म की भी हाइप काफ़ी बड़ी है और पोनियन सेलवन अपनी फिल्म के साथ मनी रत्नम इस फिल्म के साथ हिंदी लैंग्वेज में ऑडियंस के सामने एक नया एक्सपीरियंस एक्ष्विर्म, लाने वाले तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों के साथ वो किस तरह से कितना बेहतर वे में कनेक्ट करवा पाते हैं कितनी स्क्रीन्स हासिल कर पाते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो फिल्म में काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और उन कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स को साइन किया हुआ है जहाँ पे कास्टिंग की शुरुआत करें विक्रम से तो विक्रम ने आदित्या कार्यकालन का रोल प्ले किया हुआ है जो क्राउन प्रिंस है कमांडर है नॉर्थन ट्रोप के सुदर्शन जो चोला रीजन है वहाँ के वो कमांडर है और सुंदरा चोला के वो सबसे बड़े बेटे है जहाँ पे अरुल मोलिवर्गम और कुंदरवर्य के एल्डर ब्रदर है अब जया जयाम रवि जो अरुण मौलीवरमन का रोल प्ले कर रहे हैं जो उनका भाई है वहीं पे कार्थी ने मानथिया थेलवन का रोल प्ले किया हुआ है अरुल मोलिवरन ए के पोनियन सेलवन वो रोल उनका है बाद में वो ग्रेट किंग राजा राजा चोला के नाम से जाने जाएंगे और वो यंगेस्ट सन है सुंदर चोला के और आदित्य कारिकलन और कुदारवेल के यंगर ब्रदर है कार्थी ने इस फिल्म में जो वाथिर वानथिर यार थेवन का जो रोल प्ले किया हुआ है वो एक ब्रेव एडवेट एडवेंचरस और सार्केस्टिक वॉरियर प्रिंस है वानर क्लैन के इसके अलावा ईश्वर इस राय बच्चन डबल रोल में दिखाई देंगे ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक तो है नंदनी का दूसरा है पलुवेत्तराय का और उनका जो यंगर वर्जन है वो सारा अर्जुन ने प्ले किया हुआ है यंग नंदनी वाला रोल वो पल्लुवर की क्वीन है नंदनी वाला किरदार और पेरिया की वाइफ है वहीं पे आदित्य कारिकलन का लव इंटरेस्ट है पल्लू वेतरायन वो रोल भी उन्होंने प्ले किया हुआ है मंदाकिनी देवी भी इस फिल्म में आपको सिंगारा नाचियार के रोल में दिखाई देंगी त्रिशा ने इस फिल्म में कुंदाबाई का रोल प्ले किया हुआ है जो इलैया पिराटी के नाम से भी जानी जाएगी इस फिल्म में और चोला की प्रिंस है और जो सुंदर चोला का एम्प्रर है उसकी डॉटर है और वलैया रन का लव इंटरेस्ट है ऐश्वर्या लक्ष्मी आपको पुंगुलाली लाली के रोल में दिखाई देंगे जो समूथी का रोल प्ले कर रही है इसके अलावा सोविता धूलिपाला आपको वानथी का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी प्रभु ने इस फिल्म में पेरिया वेल्लर बुद्धि विक्रमा केसरी का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार ने इस फिल्म में पेरिया पल्लुवेत्तराय का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम प्रभु को पार्थिबेन पल्लवन का रोल दिया गया है जो आदित्य कार्यकरण के फ्रेंड है इसके अलावा जयराम ने इस फिल्म में अल्लाक अल्लावर काडियन डम्बी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे फिल्म में आपको और भी काफी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे प्रकाश राजे सुंदर चोला के रोल में दिखाई देंगे रेहमान ने मधुर टक्का उत्तम चोला का रोल प्ले किया हुआ है आर पार्थिबन आपको चिन्ना पल्लुवित्तरयल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अश्विन काकुमन ने इस फिल्म में सेंथन अमुडन का रोल प्ले किया हुआ है अश्विन राव आपको कदम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे नीलागल रवि ने इस फिल्म में कदम पर सांबुवर का वरियर का रोल प्ले किया हुआ है लाल को इस फिल्म में तिरुकोलियर मल्यामन का रोल दिया गया है विजय कुमार ने इस फिल्म में विजया लान चोला का रोल प्ले किया हुआ है विद्या सुब्रमण्यम ने इस फिल्म में वानवन महान देवी का रोल प्ले किया हुआ है जया चित्रा को इस फिल्म में सेम्बियान महादेवी का रोल दिया गया है, एके के नाम से भी जानी जाएगी नजर ने इस फिल्म में वीरा पांडियन का रोल प्ले किया हुआ है किसर को रवि रविदासान का रोल दिया गया था रियाज खान ने इस फिल्म में सोमन संभवन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे विनय कुमार को इस फिल्म में परमेश्वरन और वन ऑफ़ ऑफ़ मेंबर पांडियन अब्दुवल का रोल दिया गया था निमी राफेल इस फिल्म में रकमाल का रोल प्ले करती नजर आएंगे मोहन रामन ने इस फिल्म में कुदन थी दर का रोल प्ले किया हुआ है विनोदिनी वैद्यनाथन ने इस फिल्म में वासुकी का रोल प्ले किया हुआ है जो नंदनी की मेड है मास्टर रघुवन ने इस फिल्म में पांड्या प्रिंस का रोल प्ले किया हुआ है बाबू एंटनी को इस फिल्म में राष्ट्रकूटा किंग का रोल दिया गया है इसके अलावा मकरंद देश पांडे आपको चीप कालमुगर का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे इनके अलावा अर्जुन चिदम्बरम विजय यशुदास अमजद खान और बालाजी शक्तिवेल ये सभी लोग भी आपको अलग अलग किरदार में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो जैसे मैंने बताया कि 500 करोड़ के बजट के साथ में इस फिल्म को बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक बुक के ऊपर लिखा हुआ है सिनेमेटोग्राफी वो वर रवि वर्मन की देखने को मिलेगी एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है और बताया जा रहा है कि इस फिल्म का रन टाइम 170 मिनट है यानी कि दो घंटे 50 मिनट का इस फिल्म का ये पहला पार्ट देखने को मिलेगा इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बैकग्राउंड और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए फिल्म में आपको टोटल छः छः गाने सुनने को मिलेंगे सभी वर्जनस में जिसके जो राइट्स है वो खरीदे हुए टिप्स म्यूजिक ने सभी वर्जनस के लिए अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के तहत इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काल की कृष्ण मूर्ति के बुक के ऊपर से बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म का एक एडप्टेशन लिया हुआ है सिनेमेटिक लिबर्टी के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को करीबन दो पार्ट में बेचा गया है जिसमें अलग अलग किरदार के लिए अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 2010 से इस फिल्म के डायरेक्टर मनी रत्नम काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बारीकी डिटेल के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे पहले इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाने वाले थे जहाँ पे मनी रत्नम खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें फाइनलाइज की गई थी जहाँ पे टेक्नीशियन में म्यूजिक की डिपार्टमेंट ए आर को दिया गया था सिनेमाटोग्राफी तो संतोष सिवान को दी गई थी एडिटर ए कार प्रसाद फिक्स किए गए थे आर्ट डायरेक्टर सब उस को फिक्स किया गया था लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा था और उसके बाद में इस फिल्म के साथ काफ़ी लंबे समय तक थोड़ा बहुत काम चलता रहा लेकिन प्रॉपर वे में जो काम स्टार्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा था उसके बाद में जनवरी 2019 में फिल्म के ऊपर थोड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली जहाँ पे मनी रत्नम ने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को पोनियन सिलवन नाम के साथ दो पार्ट में रिलीज़ करेंगे जहाँ पर उनके साथ इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने वाले लाइका प्रोडक्शन जहाँ पर इससे पहले चेखा चिवंता वनम फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलने वाले थे जैसे कि विक्रम विजय सेतुपति जयम रवि जहाँ पे वो कुछ लीड रोल प्ले करने वाले थे सीलम्बर रसन को क्रूसल रोल दिया गया था अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्य राय को इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए साइन किया गया था तो इस तरह से इस फिल्म के जो मुख्य किरदार है उसके लिए कास्टिंग की जा रही थी लेकिन फिल्म में बाद में एक मेजर चेंज देखने को मिला अप्रैल 2019 में जहाँ पे विजय सेतुपति ने इस फिल्म के प्रोजेक्ट से आ, साइड ले ली क्योंकि उनकी शेड्यूल है वो मैच नहीं हो रही थी उन्होंने ऑलरेडी काफी सारी फिल्में साइन कर रखी थी जिसकी बदौलत बाद में उनको रिप्लेस किया कार्थी ने और इस फिल्म में अनुष्का सेट्टी भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी जहाँ पे इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन भी देखने को मिलने वाली थी तो ये कुछ आर्टिस्ट फिक्स किए गए थे लेकिन बाद में ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुई तब अनुष्का सेट्टी वहाँ पे नहीं थी पहले जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी वहाँ पे अनुष्का सेट्टी का नाम आया था लेकिन बाद में वो नाम चेंज हो गया और उसके बाद बताया जा रहा था कि अमला पोल वो रोल प्ले करेगी लेकिन और उसके ऊपर भी प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिली थी लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार फिक्स था वेटरन एक्टर आर पार्थिबन जया राम को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल दिए गए थे इलांगो कुमार वेल ने अनाउंस किया था कि वो इस फिल्म को उस स्क्रीन प्ले वो को राइटर है उसके तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही थी बाद में काफ़ी सारे और भी चेंजेस हो रहे थे और उसी के बीच में सभी फिक्सिंग की गई थी सभी आर्टिस्ट की लेकिन फिर से बाद में कुछ ऐसी चीज़ें आई जहाँ पे एडिशनल कास्टिंग के तहत त्रिशा कृष्णन को रोल दिया गया ऐश्वर्या लक्ष्मी को लाया गया विक्रम प्रभु को इम्पोर्टेंट किरदार के लिए साइन किया गया जहाँ पे सीलम्बर हसन और दूसरे आर्टिस्ट थे उनको चेंज करते हुए इन आर्टिस्ट को फिक्स किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पचास किरदार कम से कम आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे पोनियन सेलवन के जो पूरा एक पूरे कई सालों का जो हिस्ट्री दिखाया हुआ है उसमें इतने किरदार वो मेन रहने वाले जिसमें पंद्रह तो फिक्स है वो लीड एक्टर से इस फिल्म में पंद्रह ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है और फिल्म की कहानी में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं तो इसी बदौलत इसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स चाहिए थे जिसके लिए तो काफ़ी हैवी बजट चाहिए था तो सौ करोड़ में थी फिल्म बनने से रही थी उसके बाद में इस फिल्म का बजट धीरे धीरे बढ़ाते गए जहाँ पे ये फिल्म फाइनली पाँच सौ करोड़ के बजट के साथ बनी हुई है अब इस फिल्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पहला पार्ट ही इस फिल्म का बताया जा रहा है कि 500 करोड़ का है तो अब देखने वाली बात यह कि दूसरा पार्ट कितना बड़ा और कितने बड़े बजट के साथ बनाया जाएगा और ये सभी चीजें डिपेंड रहेगी पहले पार्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर उसके सक्सेस के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो ग्यारह दिसंबर दो को क्राबी कंचम्बुरी में स्टार्ट की गई थी इसके अलावा कुछ थाईलैंड के दूसरे लोकेशंस में भी फिल्म को शूट किया था वहाँ पे इस फिल्म को करीबन 40 दिन शूट किया हुआ था पहला शेड्यूल जनवरी 2020 तक कंप्लीट करवाया हुआ था दूसरे शेड्यूल को चेन्नई में ही स्टार्ट किया गया था बाद में इस फिल्म को पाण्डिचेरी में भी शूट किया हुआ था और इस फिल्म के सेकंड शेड्यूल को तीन फरवरी दो में पांडिचेरी से स्टार्ट करते हुए कंप्लीट करवाया हुआ था करीबन छः दिन का वो शेड्यूल था उसके बाद उसका नेक्स्ट शेड्यूल हैदराबाद में ले जाया गया था वहां पर इस फिल्म को दस फरवरी से शूटिंग स्टार्ट की गई थी और उसको पूरा शूटिंग है वो रामोजी फिल्म सिटी में सेट किया हुआ था सेकंड शेड्यूल है वो उसको 16 26 फरवरी 2020 को कंप्लीट किया हुआ था उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के साथ शूटिंग के पोर्शन के ऊपर काम करते रहे कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म रुक भी गई थी बीच में उसके बाद में फिर से फिल्म को रिज्यूम सितंबर 2020 तक किया गया था वहाँ पे कुछ शूटिंग को श्रीलंका में भी किया हुआ था कुछ रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए पूरी शूटिंग शूटिंग को धीरे धीरे कम्प्लीट करवा रहे थे उसी के बीच में फिल्म के जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका था तीन फरवरी 2021 को इस फिल्म का एक स्पेशल नंबर था जो त्रिशा को लेकर और दूसरे ढाई सौ आर्टिस्ट थे जिसको लेकर एक ह्यूज सेट क्रिएट करके उसको रामाजी फिल्म सिटी में फिल्माया गया था इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग शेड्यूल के तहत हैदराबाद चेन्नई पाण्डिचेरी और ऐसे अलग अलग लोकेशंस को लेकर फिल्म को शूट किया हुआ था अगस्त महीने में फ़िल्म को मध्य प्रदेश में कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जैसे कि और छा ग्वालियर जैसे कहीं अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में लेट अगस्त 2021 में जयाम रवि विक्रम ने अपने अपने पोर्शंस को पूरी तरह से कम्प्लीट कर दिया था उसके बाद में इस फिल्म को महेश्वर ले जाया गया है जहाँ पर कुछ एक और बड़ा शेड्यूल रखा गया था कार्तिक त्रिशा का और उसके बाद में चार सितंबर 2021 में रहमान ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के काफ़ी सारे पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं उन्होंने काफ़ी सारे पोर्संस के लिए म्यूजिक स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने एक दो सॉन्ग्स का कंपोजिशन भी प्रॉपर वे में सेट कर कर दिया है तो इस तरह से इस फिल्म का काम किया जा रहा था मार्च 2022 तक फिल्म का मोस्ट ऑफ काम शूटिंग कंप्लीट हो चुका था लेकिन थोड़ा वर्क बाकी था जिसको कंप्लीट करने में सात दिन लगे थे तो मार्च 2022 के एंड तक पूरी तरह से फिल्म को शूट करवा लिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन में 27 सितंबर 2021 से डबिंग का काम स्टार्ट किया हुआ था त्रिशा ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अपने डबिंग के लिए खुद वॉइस दी हुई है वहीं पे वही का जो रोल है और पुगोल वही का जो रोल है वो रोल वो प्ले कर रहे तमिल वर्जन में उनका खुद वॉइस और सुनने को मिलेगा विक्रम ने अपने लिए टोटल पांच लैंग्वेजेस में डब किया हुआ है उन्होंने तमिल तमिल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज तेलगू लैंग्वेज मलयालम और कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए खुद वॉइस ओवर किया हुआ है वहीं पे जयाम रवि कार्थी ने अपने लिए तमिल और तेलुगु वर्जन में डब किया हुआ है बाकी सभी वर्जन के लिए उनके डबिंग आर्टिस्ट चूज किए हुए हैं तो इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने भी काफी बारीकी डिटेल के साथ इस फिल्म में मेहनत की हुई है म्यूज़िक डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है इस फिल्म का काफ़ी मेसिव और एक बड़ा बैकबोन माना जाएगा इस फिल्म के लिए क्योंकि जो इस फिल्म का थीम है उसमें बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खास करके बीजीएम तो इसको दो हज़ार में बी और सॉन्ग्स को कम्पोज किया गया था पंच रिकॉर्ड इन और एम स्टूडियो चेन्नई में जहाँ पे तमिल लैंग्वेज में पहले बनाया गया था जिसके राइट टिप्स म्यूजिक को काफ़ी बड़ी रकम में बेचे गए थे ए आर रेहमान है वो इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर है जिन्होंने इस फिल्म में टोटल छः गानों को कंपोज किया हुआ है तो ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पे पहला गाना है पोनी नादी तमिल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ पोनी नादी जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए इलांगो कृष्णन ने वहीं पे सिंगर थे आर रहमान ए आर रहनानंद ब्रह्मा बाकिया सत्यन प्रकाश और इस फिल्म का दूसरा गाना चोला चोला जिसके लिरिक्स लिखे हुए इलांगो कृष्णा ने सिंगर थे अभियानकर नकुल वी ए महालिंगम और सत्य प्रकाश तीसरा गाना था रच्चासा मामनी जिसके लिरिक्स लिखे थे काबिलान ने सिंगर थे श्रेया घोषाल पलक्कर श्री राम महेश विनायकर नेल्सन ने सिंगर थे रक्षिता सुरेश पांचवा गाना था अलाई कडल जिसके लिरिक्स लिखे हुए शिवा आनंद ने सिंगर थे अंतरानंदे छठा गाना था देवलान उत्तम जिसके लिरिक्स लिखे हुए इलांगो कृष्णन ने और सिंगर थे योगी शेखर वहीं पे इस फिल्म के हिंदी ट्रैक के बारे में बात करें तो सभी गानों को हिंदी में भी रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे सभी गानों की जो लिरिक्स है वो महबूब ने लिखे हुए थे पहला गाना था कावेरी से मिलने उसको गाया हुआ है रहमान स्वागत राठौड़ और पूजा तिवारी ने दूसरा गाना है चोला चोला जिसको गाया हुआ है विशाल मिश्रा और स्वागत राठौड़ ने तीसरा गाना है राक्षस मामा रे जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल शान मुखर्जी और महेश विनायक करम ने चौथा गाना बोल जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने वहीं पे पाँचवा गाना है डूबी डूबी जिसको गाया हुआ है अंतरा नंदी ने छठा गाना है देवरलाल नाच जिसको गाया हुआ है सुदीप जयपुर वाले ने तो इस तरह से इन गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है दूसरे सभी जैसे कि तेलगु मलयालम कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए अलग अलग सिंगर और लिरिशिस्ट के पास इस गानों को रिक्रिएट करवाया हुआ था ए आरमान के थ्रू साउंड ट्रैक फिलहाल में सुनने में ऐसा नजर आ रहा है कि डिसेंट है लेकिन ये सभी गाने अगर जब फिल्म के साथ चलेंगे तो मेरे मानना है कि ये और बेहतर वे में उन सभी सीन्स को निखार के लाएंगे फिल्म का बीजीएम फिल्म के गाने फिल्म को बेहतर वे में सपोर्ट करने वाले है और करना ही चाहिए तभी इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो आइडिया है वो और निखर के आ पाएगा इस फिल्म की मार्केटिंग के पीछे भी काफ़ी मेहनत की जा रही है अलग अलग समय पे अलग अलग एक्टर्स के थ्रू जैसे कि चीफ गेस्ट के तौर पर ट्रेलर और सॉन्ग जो रिलीज़ किए थे तब कि रजनीकांत और कमल हसन को बुलाया गया था तो इस तरह से काफ़ी बड़े एक्टर्स को लेकर उनके साथ काम करवाया जा रहा है जैसे कि कमल हसन जी ने तमिल वर्जन में जो वॉइस ओवर ट्रेलर में सुनने को मिल रहा है वो उन्होंने दिया हुआ है वहीं पर हिंदी वर्जन के लिए अनिल कपूर ने दिया हुआ था तेलुगु वर्जन के लिए राना दगुबाती ने दिया हुआ था पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म के का मलयालम वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है और जयंत कालकिन ने इस फिल्म के लिए कनाडा वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म को काफ़ी मेसिव वे में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हिंदी वर्जन में रोडा बना हुआ है वो है ए विक्रम वेदा वो भी ऋतिक रोशन स्टारर तो वो फिल्म का भी बस मार्केट में अच्छा चल रहा है वहीं पे ये फिल्म मार्केट में उतनी गर्म नहीं है पी एस वन साउथ इंडियन लैंग्वेज के बारे में तो नहीं पता लेकिन हिंदी वर्जन में उसका बस जीरो है तो अब जीरो बस के साथ इस फिल्म को अगर इतने बड़े बजट की फिल्म को रिलीज करोगे तो काफ़ी मुश्किल आने वाली है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का कंटेंट थिएटर पे कितना बोलता है कितनी स्क्रीन्स मिलती है हिंदी वर्जन में स्टार्टिंग में बहुत कम स्क्रीन्स मिलने वाली क्योंकि इस फिल्म की सभी स्क्रीन से वो बहुत कम इसलिए रहेगी क्योंकि सबसे बड़ी मेन रीज़न है विक्रम वेदा ऋतिक रोशन स्टार और वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेगी इसके अलावा फ़िलहाल में जो ये फिल्म चल रही है यानी कि काफ़ी सारी फिल्में हिंदी वर्जन में चल रही है जिसमें से अभी फिलहाल में जिस तरह से ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र चल रहे तो उसको भी थोड़ी स्क्रीन्स दी जाएगी तो उस हिसाब से इस फिल्म को काफ़ी कम स्क्रीन्स मिलने वाले अब देखते हैं कितनी स्क्रीन्स में ये फिल्म कितना कमाल कर पाती है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर और इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स और, राइट और कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी कितने में बिके थे उसके बारे में इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है तीस सेप्टेम्बर दो को यू सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बजट करीबन पाँच करोड़ जितना बताया जा रहा है तो इतने बड़े बजट के साथ इस फिल्म को लाया जा रहा है जहाँ पे इस फिल्म के बजट को रिकवर करने के लिए कम से कम इस फिल्म को कम से कम 800 करोड़ का तो कलेक्शन करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म अपना जितना बजट डाला हुआ है उतना कवर कर सकती है थिएटर से अदरवाइज वैसे तो इस फिल्म के ओ टी राइड्स सेटेलाइट राइड्स को काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया है जहाँ पे ओ टी टी राइड्स पाँच लैंग्वेज के लिए 125 करोड़ में बिके हुए तो एक अच्छी बात है इस फिल्म के जो ओ टी टी राइड्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो ने ख़रीदे हुए बड़ी रकम दे के वहीं पर सेटेलाइट राइट्स से, है साउथ इंडियन लैंग्वेज़ के लिए सन टी वी वालों ने खरीदे हुए सभी वर्जनस के वहीं पर हिंदी वर्जन के बारे में अभी तक पता नहीं चला है तो पहले इस फिल्म के म्यूजिक सैटेलाइट ओ टी टी राइट बेचती है तो काफ़ी सारा प्रॉफिट वहाँ से आएगा लेकिन थिएटर पे इस फिल्म को रन करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो सकती है वैसे इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में बड़ी ओपनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता कार्थी है विक्रम है ज्याम रवि है इतने तीन बड़े दिग्गज स्टार है तो ये तीन एक्टर्स मिलकर वैसे ही इस फिल्म को बढ़िया से बढ़िया ओपनिंग दिलवा देंगे इस फिल्म के पहले दिन की ओपनिंग सभी लैंग्वेज की वर्ल्ड वाइड जो ओपनिंग रहेगी वो करीबन सत्तर से अस्सी करोड़ की कम से कम होने वाली अब देखने वाली बात ये है कि ये इससे और कितने बड़े लेवल पर आगे जाके फिल्म बड़ी हो पाती है और ये सभी चीज़ें जब फिल्म रिलीज होगी तीस सेप्टेम्बर दो को उसके पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर डिपेंड करेगा जैसा ही वर्ड ऑफ माउथ रहा फिल्म उस कदर उस लेवल पर आगे जाके बड़ी होने वाली क्योंकि काफ़ी सारी लैंग्वेज में फिल्म रिलीज हो रही है पांच लैंग्वेज में तो इस फिल्म को वैसे अगर पॉजिटिव ऑफ माउथ मिला तो ये फिल्म वैसे ही बड़ा कलेक्शन करके देगी भले ही धीरे धीरे लेकिन जैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो स्क्रींस बढ़ेगी सभी लैंग्वेजेस में और तमिल लैंग्वेज में भी ये फिल्म स्टेडी रहेगी अदरवाइज तीन दिनों में फिल्म गिर सकती है अगर ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म पहले तीन दिनों में ही दो सौ करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन कर सकती है सभी वर्जन का मिला के डेढ़ सौ से दो सौ करोड़ का वहीं पर मंडे से पता चलेगा कि फिल्म वो लोगों को कितने पसंद आ रही है अगर वहाँ पर ये फिल्म स्टेडी रही तो ये फिल्म एक लंबा रन ले सकती है और आठ सौ से हजार करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम का कलेक्शन करके दे सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर मेकर्स ने किस तरह से कितना काम किया हुआ है तो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि लोगों को यह कंटेंट कितना इंगेजिंग और एंटरटेनिंग नजर आता है और इस फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए वो कितने उत्सुक हो पाते हैं अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को काफ़ी बड़े पैमाने पे रिलीज किया जा रहा है जहाँ पे एक ऐसी पहली तमिल फिल्म है जिसको आई में रिलीज़ किया जा रहा है वैसे इस फिल्म को मई जुलाई 2022 में लाने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी फिल्में रिलीज हो रही थी प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी डिले हो रहा था इसकी वजह से इस फिल्म को डिले किया गया पोस्टपोन किया गया जहाँ पे फाइनली अब ये फिल्म तीस सेप्टेम्बर दो को थिएटर में लग रही है इस फिल्म के ओ राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने एक करोड़ में खरीदे हुए सभी लैंग्वेजेस यानी

तो थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद ये फिल्म सन टीवी के जितनी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज की चैनल है जैसे कि तमिल तेलुगु, मलयालम कन्नड़ा वर्जन के लिए वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पे साइमेंटेसली हिंदी वर्जन में कोई बड़े हिंदी लीडिंग टेलीविज़न चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के पास इस फिल्म के ओ टी, -टी राइट्स है सभी लैंग्वेज के लिए हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्जनस के लिए तो ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी थिएट्रिकल रिलीज़ के दो तीन महीनों के बाद विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर सेटेलाइट राइट सन टी के पास है साउथ इंडियन लैंग्वेज़ के लिए तो वहाँ पे ये फिल्म अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए सन टी के अलग अलग चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद प्रीमियर करवाई जाएगी ठीक सेम साइमेंटेस्टली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बड़े लीडिंग टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओ टी और थिएटर के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 11 दिसंबर 2019 को क्राबी कंचम्बुरी में स्टार्ट की गई थी इसके अलावा कुछ थाईलैंड के दूसरे लोकेशंस में भी फिल्म को शूट किया था वहाँ पे इस फिल्म को करीबन 40 दिन शूट किया हुआ था पहला शेड्यूल जनवरी 2020 तक कंप्लीट करवाया हुआ था दूसरे शेड्यूल को चेन्नई में ही स्टार्ट किया गया था बाद में इस फिल्म को पौंडीचेरी में भी शूट किया हुआ था और इस फिल्म के सेकंड शेड्यूल को तीन फरवरी दो में पौंडीचेरी से स्टार्ट करते हुए कंप्लीट करवाया हुआ था करीबन छः दिन का वो शेड्यूल था उसके बाद उसका नेक्स्ट शेड्यूल हैदराबाद में ले जाया गया था वहाँ पे इस फिल्म को 10 फरवरी से शूटिंग स्टार्ट की गई थी और उसको पूरा शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में सेट किया हुआ था सेकंड शेड्यूल है उसको 16 26 फरवरी 2020 को कंप्लीट किया हुआ था उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के साथ शूटिंग के पोर्सन के ऊपर काम करते रहे कोविड नाइनटीन की वजह से फिल्म रुक भी गई थी बीच में उसके बाद में फिर से फिल्म को रिज्यूम से दो तक किया गया था वहाँ पे कुछ शूटिंग को श्रीलंका में भी किया हुआ था कुछ रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए पूरी शूटिंग को धीरे धीरे कंप्लीट करवा रहे थे उसी के बीच में फिल्म के जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका था तीन फरवरी 2021 को इस फिल्म का एक स्पेशल नंबर था जो त्रिसा को लेकर और दूसरे ढाई सौ आर्टिस्ट थे जिसको लेकर एक ह्यूज सेट क्रिएट करके उसको रामाजी फिल्म सिटी में फिल्माया गया था इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग शेड्यूल के तहत हैदराबाद चेन्नई पाण्डिचेरी और ऐसे अलग अलग लोकेशंस को लेकर फिल्म को शूट किया हुआ था अगस्त महीने में फ़िल्म को मध्य प्रदेश में कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जैसे कि और छा ग्वालियर जैसे कहीं अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में लेट अगस्त 2021 में जयाम रवि विक्रम ने अपने अपने पोर्शंस को पूरी तरह से कम्प्लीट कर दिया था उसके बाद में इस फिल्म को महेश्वर ले जाया गया जहाँ पे कुछ एक और बड़ा शेड्यूल रखा गया था कार्तिक रिसा का और उसके बाद में 4 सितंबर 2021 में रहमान ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के काफ़ी सारे पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं उन्होंने काफ़ी सारे पोर्संस के लिए म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने एक दो सॉन्ग्स का कंपोजिशन भी प्रॉपर वे में सेट कर कर दिया है तो इस तरह से इस फिल्म का काम किया जा रहा था मार्च 2022 तक फिल्म का मोस्ट ऑफ काम शूटिंग कंप्लीट हो चुका था लेकिन थोड़ा पेच वर्क बाकी था जिसको कंप्लीट करने में सात दिन लगे थे तो मार्च 2022 के एंड तक पूरी तरह से फिल्म को शूट करवा लिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन में 27 सितंबर 2021 से डबिंग का काम स्टार्ट किया हुआ था त्रिशा ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अपने डबिंग के लिए खुद वॉइस दी हुई है वहीं पे कुंदा कु का जो रोल है और पुगोल वरे का जो रोल है वो रोल वो प्ले कर रहे तमिल वर्जन में उनका खुद वॉइस ओवर सुनने को मिलेगा विक्रम ने अपने लिए टोटल पाँच लैंग्वेज में डब किया हुआ है उन्होंने तमिल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज तेलगू लैंग्वेज मलयालम और कन्नडा सभी वर्जन के लिए खुद वॉइस ओवर किया हुआ है वहीं पर जाया

तो इसको 2021-22 में बीजीएम और सॉन्ग्स को कंपोज किया गया था पंच रिकॉर्ड इन और एम स्टूडियो चेन्नई में जहाँ पे तमिल लैंग्वेज में पहले बनाया गया था जिसके राइट्स टिप्स म्यूजिक को काफ़ी बड़ी रकम में बेचे गए थे ए आर रेहमान है वो इस फिल्म के म्यूजिक कंपोज़र है जिन्होंने इस फिल्म में टोटल छः गानों को कंपोज किया हुआ है तो ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पे पहला गाना है पोनी नादी तमिल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ पोनी नादी जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए इलांगो कृष्णन ने वहीं पे सिंगर थे रहमान बाकिया सत्यन प्रकाश और इस फिल्म का दूसरा गाना चोला चोला जिसके लिरिक्स लिखे हुए लांगो कृष्णा ने सिंगर थे अभियंकर नकुल वी ए महालिंगम और सत्य प्रकाश तीसरा गाना था रच्चासा मामनी जिसके लिरिक्स लिखे थे काबिलान ने सिंगर थे श्रेया घोषाल पलक्कड़ श्री राम महेश विनायक रन चौथा तो गाना था सोल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्ण कृतिका नेल्सन ने सिंगर थे रक्षिता सुरेश पांचवा गाना था अलाई कडल जिसके लिरिक्स लिखे हुए शिवा आनंद ने सिंगर थे अंतरानंदी छठा गाना था देवलान उत्तम जिसके लिरिक्स लिखे, लिखे हुए इलांगो कृष्णन ने और सिंगर थे योगी शेखर वहीं पर इस फिल्म के हिंदी ट्रैक के बारे में बात करें तो सभी गानों को हिंदी में भी रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे सभी गानों की जो लिरिक्स है वो महबूब ने लिखे हुए थे पहला गाना था कावेरी से मिलने उसको गाया हुआ है रहमान स्वागत राठौड़ और पूजा तिवारी ने दूसरा गाना है चोला चोला जिसको गाया हुआ है विशाल मिश्रा और स्वागत राठौड़ ने तीसरा गाना है राक्षस मामा रे जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल शान मुखर्जी और महेश विनायक करम ने चौथा गाना बोल जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने वहीं पे पांचवा गाना है डूबी डूबी जिसको गाया हुआ अंतरा नंदी ने छठा गाना है देवरलाल नाच जिसको गाया हुआ है सुदीप जयपुर वाले ने तो इस तरह से इन गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है दूसरे सभी जैसे कि तेलगू मलयालम कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए अलग अलग सिंगर और लिडिश के पास इस गानों को रिक्रिएट करवाया हुआ था ए आरमान के थ्रू साउंड ट्रैक फिलहाल में सुनने में ऐसा नजर आ रहा है कि डिसेंट है लेकिन ये सभी गाने अगर जब फिल्म के साथ चलेंगे तो मेरा मानना है कि ये और बेहतर वे में उन सभी सीन्स को निखार के लाएंगे फिल्म का बीजीएम फिल्म के गाने फिल्म को बेहतर वे में सपोर्ट करने वाले हैं और करना ही चाहिए तभी इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो आइडिया है वो और निखर के आ पाएगा इस फिल्म की मार्केटिंग के पीछे भी काफ़ी मेहनत की जा रही है अलग अलग समय पर अलग अलग एक्टर्स के थ्रू जैसे कि चीफ गेस्ट के तौर पे ट्रेलर और सॉन्ग जो रिलीज़ किए थे तब कि रजनीकांत और कमल हसन को बुलाया गया था तो इस तरह से काफ़ी बड़े एक्टर्स को लेकर उनके साथ काम करवाया जा रहा है जैसे कि कमल हसन जी ने तमिल वर्जन में जो वॉइस ओवर ट्रेलर में सुनने को मिल रहा है वो उन्होंने दिया हुआ है वहीं पर हिंदी वर्जन के लिए अनिल कपूर ने दिया हुआ था तेलुगु वर्जन के लिए राना दगुबाती ने दिया हुआ था पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म के का मलयालम वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है और जयंत कालकिन ने इस फिल्म के लिए कन्नडा वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को काफी मेसिव वे में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हिंदी वर्जन में रोडा बना हुआ है वो है ए विक्रम वेदा वो भी ऋतिक रोशन स्टारर तो वो फिल्म का भी बस मार्केट में अच्छा चल रहा है वहीं पे ये फिल्म मार्केट में उतनी गर्म नहीं है पी एस वन साउथ इंडियन लैंग्वेज के बारे में तो नहीं पता लेकिन हिंदी वर्जन में उसका बस जीरो है तो अब जीरो बस के साथ इस फिल्म को अगर इतने बड़े बजट की फिल्म को रिलीज करोगे तो काफ़ी मुश्किलेंत आने वाली है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का कंटेंट थिएटर पे कितना बोलता है कितनी स्क्रीन्स मिलती है हिंदी वर्जन में स्टार्टिंग में बहुत कम स्क्रीन्स मिलने वाली क्योंकि इस फिल्म की सभी स्क्रीन से वो बहुत कम इसलिए रहेगी क्योंकि सबसे बड़ी मेन रीज़न है विक्रम वेदा ऋतिक रोशन स्टार और वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेगी इसके अलावा फ़िलहाल में जो ये फ़िल्म चल रही है यानी कि काफ़ी सारी फिल्में हिंदी वर्जन में चल रही है जिसमें से अभी फ़िलहाल में जिस तरह से ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र चल रहे तो उसको भी थोड़ी स्क्रीन्स दी जाएगी तो उस हिसाब से इस फिल्म को काफ़ी कम स्क्रीन्स मिलने वाले अब देखते हैं कि इतनी स्क्रीन्स में ये फिल्म कितना कमाल कर पाती है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर और इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स और कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी कितने में बिके थे उसके बारे में इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है तीस सेप्टेम्बर दो को यू सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बजट करीबन पाँच करोड़ जितना बताया जा रहा है तो इतने बड़े बजट के साथ इस फिल्म को लाया जा रहा है जहाँ पे इस फिल्म के बजट को रिकवर करने के लिए कम से कम इस फिल्म को कम से कम 800 करोड़ का तो कलेक्शन कर करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म अपना जितना बजट डाला हुआ है उतना कवर कर सकती है थिएटर से अदरवाइज वैसे तो इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स सेटेलाइट राइट्स को काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया है जहाँ पे ओ टी टी राइड्स पाँच लैंग्वेज के लिए 125 करोड़ में बिके हुए तो एक अच्छी बात है इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए हैं बड़ी रकम्स दे के वहीं पर सेटेलाइट राइट्स से, है साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए सन टी वी वालों ने खरीदे हुए सभी वर्जनस के वहीं पर हिंदी वर्जन के बारे में अभी तक पता नहीं चला है तो पहले इस फिल्म के म्यूजिक सैटेलाइट ओ टी, -टी बेच दिए तो काफ़ी सारा प्रॉफिट वहाँ से आएगा लेकिन थिएटर पे इस फिल्म को रन करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो सकती है वैसे इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में बड़ी ओपनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता कार्थी है विक्रम है ज्याम रवि है इतने तीन बड़े दिग्गज स्टार है तो ये तीन एक्टर्स मिलकर वैसे ही इस फिल्म को बढ़िया से बढ़िया ओपनिंग दिलवा देंगे इस फिल्म के पहले दिन की ओपनिंग सभी लैंग्वेज की वर्ल्ड वाइड जो ओपनिंग रहेगी वो करीबन सत्तर से अस्सी करोड़ की कम से कम होने वाली अब देखने वाली बात ये है कि ये इससे और कितने बड़े लेवल पर आगे जाके फिल्म बड़ी हो पाती है और ये सभी चीज़ें जब फिल्म रिलीज होगी तीस सेप्टेबर दो को उसके पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर डिपेंड करेगा जैसा ही वर्ड ऑफ माउथ रहा फिल्म उस कदर उस लेवल पर आगे जाके बड़ी होने वाली क्योंकि काफ़ी सारी लैंग्वेज में फिल्म रिलीज हो रही है पांच लैंग्वेजेस में तो इस फिल्म को वैसे अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला तो ये फिल्म वैसे ही बड़ा कलेक्शन करके देगी भले ही धीरे धीरे लेकिन जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो स्क्रींस बढ़ेगी सभी लैंग्वेजेस में और तमिल लैंग्वेज में भी ये फिल्म स्टेडी रहेगी अदरवाइज तीन दिनों में फिल्म गिर सकती है अगर ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म पहले तीन दिनों में ही दो करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन कर सकती है सभी वर्जन का मिला के डेढ़ से दो करोड़ का वहीं पर मंडे से पता चलेगा कि फिल्म वो लोगों को कितने पसंद आ रही है अगर वहाँ पर ये फिल्म स्टेडी रही तो ये फिल्म एक लंबा रन ले सकती है और आठ से हजार करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कलेक्शन का करके दे सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर मेकर्स ने किस तरह से कितना काम किया हुआ है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लोगों को यह कंटेंट कितना इंगेजिंग और एंटरटेनिंग नजर आता है और इस फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए वो कितने उत्सुक हो पाते हैं अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को काफी बड़े पैमाने पे रिलीज किया जा रहा है जहाँ पे एक ऐसी पहली तमिल फिल्म है जिसको आई में रिलीज किया जा रहा है वैसे इस फिल्म को मई जुलाई 2022 में लाने वाले थे लेकिन काफी सारी फिल्में रिलीज हो रही थी प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी डिले हो रहा था इसकी वजह से इस फिल्म को डिले किया गया पोस्टपोन किया गया जहाँ पे फाइनली अब ये फिल्म तीस सेप्टेम्बर दो को थिएटर में लग रही है इस फिल्म के ओ राइट्स टी राइट अमेजन प्राइम वीडियो ने एक करोड़ में खरीदे हुए सभी लैंग्वेजेस

तो थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद ये फ़िल्म सन टी के जितनी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज की चैनल है जैसे कि तमिल तेलुगू मलयालम, कन्नडा वर्जन के लिए वहाँ पर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पर साइमेंटेसली हिंदी वर्जन में कोई बड़े हिंदी लीडिंग टेलीविज़न चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के पास इस फिल्म के ओ टी, -टी राइट्स है सभी लैंग्वेज के लिए हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्सन्स के लिए तो ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी थिएट्रिकल रिलीज़ के दो तीन महीनों के बाद विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर सेटेलाइट राइट सन टी के पास है साउथ इंडियन लैंग्वेज़ के लिए तो वहाँ पर फिल्म अलग अलग लैंग्वेज़ के लिए सन टी के अलग अलग चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद प्रीमियर करवाई जाएगी ठीक सेम साइमेंटेस्टली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बड़े लीडिंग टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओ टी और थिएटर के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे पोनियन सेलवन वन और पी एस वन पी एस वन शॉर्ट फॉर्म में वहीं पे पोनियन सेलवन का मीनिंग होता है सन ऑफ पौन्नी पौन्नी का बेटा और ये जो पोनियन सेलवन सीरीज़ है उसका पहला पार्ट है ये एक 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एपिक पीरियड एक्शन फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में तो बनाया गया है लेकिन तेलुगु मलयालम कन्नड़ा और हिंदी इन सभी वर्जन में डब्ड करके रिलीज किया जाएगा तो ये एक बड़े बजट के साथ आने वाली एक बड़ी तमिल लैंग्वेज पेन इंडिया फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मनी रत्नम ने जो एक ऑलरेडी बहुत बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने अपनी काफ़ी सारी फिल्मों के तहत पूरे इंडिया में तहलका मचाया हुआ था मनी रत्नम का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जहाँ पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी सालों से मेहनत की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया वो उनका ही है वैसे तो पोनियन सेलवन करके एक बुक थी नोवेल थी 1955 में लिखी हुई थी कल की कृष्णा मूर्ति के द्वारा तो उनके द्वारा ही इस फिल्म की कहानी लिखी गई है उस बुक के ऊपर ही फिल्म की कहानी आधारित है जहाँ पे इस फिल्म को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है पी वन और पी टू और इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बी जया मोहन ने लिखे हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो मनी रत्नम और इलांगो कुमारवेल ने लिखा हुआ है डायलॉग्स ओरिजिनल जो डायलॉग्स है तमिल वाले वो बी जया मोहन ने लिखे हुए अदरवाइज दूसरे लैंग्वेज के लिए अलग अलग डायलॉग लिखने वाले आर्टिस्ट को हायर किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो मनी रत्नम खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे उनके साथ एल्हराजा सुबह कारन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है मद्रास टोकीज़ और लाइका प्रोडक्शन तो ये दो प्रोडक्शन कंपनीज है उसके नीचे इस फिल्म को करीबन 500 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है तो ये एक वन ऑफ दी बिग बजट फिल्म में से एक फ़िल्म है जहाँ पे तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्मों में से एक फिल्म तो है ही साथ ही में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्मों में से भी एक फ़िल्म है और जिसे पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो रेड जाएंट मूवीज इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी वहीं पर श्री वेंकटेश्वरा क्रिएसन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले श्री गोकुला मूवीज़ को इस फिल्म के केरला के राइट्स दिए गए वहीं पे लाइका प्रोडक्शन इस फिल्म को टेन कोट्टा करके एसोसिएशन किया हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ ओवरसीज में वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ पे लाइका प्रोडक्शन खुद इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स में से एक है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स तो काफ़ी बड़े हैं तब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म को कितनी स्क्रीन्स मिलती है किस लेवल पर रिलीज किया जाता है वैसे ये फिल्म हिंदी में विक्रम वेदा करके जो ऋतिक रोशन सैफ अली खान स्टार फिल्म है उसके साथ क्लेश हो रही है तो हिंदी लैंग्वेज में वो एक बड़ी फिल्म आ रही है हालांकि विक्रम वेदा ऑलरेडी तमिल फिल्म का ही रीमेक है जिसको तमिल में 2017 में विजय सेतुपति और आर माधवन को लेकर बनाया हुआ था उसी फिल्म का ये रीमेक है तो अब देखने वाली बात यह है कि उस फिल्म की भी हाइप काफ़ी बड़ी है और पोनियन सेलवन अपनी फिल्म के साथ मनी रत्न इस फिल्म के साथ हिंदी लैंग्वेज में ऑडियंस के सामने एक नया एक्सपीरियम एक्ष्विर्म, लाने वाले तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों के साथ वो किस तरह से कितना बेहतर वे में कनेक्ट करवा पाते हैं कितनी स्क्रीन्स हासिल कर पाते हैं फिल्म की कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो फिल्म में काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और उन कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स को साइन किया हुआ है जहाँ पे कास्टिंग की शुरुआत करें विक्रम से तो विक्रम ने आदित्या कार्यकालन का रोल प्ले किया हुआ है जो क्राउन प्रिंस है कमांडर है नॉर्थन ट्रोप के सुदर्शन जो चोला रीजन है वहाँ के वो कमांडर है और सुंदरा चोला के वो सबसे बड़े बेटे जहाँ पे अरुल वरगम और कुंदरवर्ग के एल्डर ब्रदर है अब जया जयाम रवि जो अरुण मौलिवरमन का रोल प्ले कर रहे हैं जो उनका भाई है वहीं पे कार्थी ने मानथिया थेलवन का रोल प्ले किया हुआ है अरुल वरन ए के पोनियन सेलवन वो रोल उनका है बाद में वो ग्रेट किंग राजा राजा चोला के नाम से जाने जाएंगे और वो यंगेस्ट सन है सुंदर चोला के और आदित्य कारिकलन और कुदरवेल के यंगर ब्रदर है कार्थी ने इस फिल्म में जो वाथिर वानथिर यार थेवन का जो रोल प्ले किया हुआ है वो एक ब्रेव एडवेट एडवेंचरस और सार्केस्टिक वॉरियर प्रिंस है वानर क्लैन के इसके अलावा ईश्वर इस राय बच्चन डबल रोल में दिखाई देंगे ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक तो है नंदनी का दूसरा है पलुवे राय का और उनका जो यंगर वर्जन है वो सारा अर्जुन ने प्ले किया हुआ है यंग नंदनी वाला रोल वो पल्लुवर की क्वीन है नंदनी वाला किरदार और पेरिया की वाइफ है वहीं पे आदित्य कारिकलन का लव इंटरेस्ट है पल्लू वेतरायन वो रोल भी उन्होंने प्ले किया हुआ है मंदाकिनी देवी भी इस फिल्म में आपको सिंगारा नाचियार के रोल में दिखाई देंगी त्रिशा ने इस फिल्म में कुंदाबाई का रोल प्ले किया हुआ है जो इलैया पिराटी के नाम से भी जानी जाएगी इस फिल्म में और चोला के प्रिंस है और जो सुंदर चोला का एम्प्रर है उसकी डॉटर है और वलैया रन का लव इंटरेस्ट है ऐश्वर्या लक्ष्मी आपको लाली पुंग लाली के रोल में दिखाई देंगे जो समूथी राकुमारी का रोल प्ले कर रही है इसके अलावा सोविता धूलिपाला आपको वानती का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी प्रभु ने इस फिल्म में पेरिया वेल्लर बुद्धि विक्रमा केसरी का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार ने इस फिल्म में पेरिया पल्लुवेत्तराय का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम प्रभु को पार्थिबेन पल्लवन का रोल दिया गया है जो आदित्य कार्यकरण के फ्रेंड है इसके अलावा जयराम ने इस फिल्म में अल्लाक अल्लाकाडियन लम्बी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे फिल्म में आपको और भी काफ़ी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे प्रकाश राज सुंदर चोला के रोल में दिखाई देंगे रेहमान ने मधुर टक्का उत्तम चोला का रोल प्ले किया हुआ है आर पार्थिबन आपको चिन्ना पल्लुवित्तरयल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अश्विन काकुमन ने इस फिल्म में सेंथन अमुडन का रोल प्ले किया हुआ है अश्विन राव आपको कदम आरन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे नीलागल रवि ने इस फिल्म में कदम पर सांबुवर का वरियर का रोल प्ले किया हुआ है लाल को इस फिल्म में तिरुकोलियर मल्यामन का रोल दिया गया है विजय कुमार ने इस फिल्म में विजया चोला का रोल प्ले किया हुआ है विद्या सुब्रमण्यम ने इस फिल्म में वानवन महान देवी का रोल प्ले किया हुआ है जया चित्रा को इस फिल्म में सेम्बियान महादेवी का रोल दिया गया एक पेरिया पीराती के नाम से भी जानी जाएगी नजर ने इस फिल्म में वीरा पांडियन का रोल प्ले किया हुआ है किसर को रवि रविदसान का रोल दिया गया था रियाज खान ने इस फिल्म में सोमन संभवन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विनय कुमार को इस फिल्म में परमेश्वरन और थेवरालन वन ऑफ दी मेंबर ऑफ पांडियन अब्दू वलकल का रोल दिया गया था निम्मी राफेल इस फिल्म में रकमाल का रोल प्ले करती नजर आएंगी मोहन रामन ने इस फिल्म में कुदन थाई चौथी गर्दर का रोल प्ले किया हुआ है विनोदिनी वैद्यनाथन ने इस फिल्म में वासुकी का रोल प्ले किया हुआ है जो नंदनी की मेड है मास्टर रघुवन ने इस फिल्म में पांड्या प्रिंस का रोल प्ले किया हुआ है बाबू एंटनी को इस फिल्म में राष्ट्रकूटा किंग का रोल दिया गया है इसके अलावा मकरंद देश पांडे आपको चीफ काला का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे इनके अलावा अर्जुन चिदम्बरम विजय यशुदास अमजद खान और बालाजी शक्तिवेल ये सभी लोग भी आपको अलग अलग किरदार में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो जैसे कि मैंने बताया कि 500 करोड़ के बजट के साथ में इस फिल्म को बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक बुक के ऊपर लिखा हुआ है सिनेमेटोग्राफी वो रवि वर्मन की देखने को मिलेगी एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है और बताया जा रहा है कि इस फिल्म का रन टाइम 170 मिनट है यानी कि दो घंटे 50 मिनट का इस फिल्म का ये पहला पार्ट देखने को मिलेगा इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कम्पोज किए हुए फिल्म में आपको टोटल छः छः गाने सुनने को मिलेंगे सभी वर्जन में जिसके जो राइट्स है वो खरीदे हुए टिप्स म्यूजिक ने सभी वर्जनस के लिए अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के तहत इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए हुए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काल की कृष्ण मूर्ति के बुक के ऊपर से बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म का एक एडेप्टेशन लिया हुआ है सिनेमेटिक लिबर्टी के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को करीबन दो पार्ट में बेचा गया है जिसमें अलग अलग किरदार के लिए अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 2010 से इस फिल्म के डायरेक्टर मनी रत्नम काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बारीकी डिटेल के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे पहले इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाने वाले थे जहाँ पे मनी रत्नम खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें फाइनलाइज की गई थी जहाँ पे टेक्नीसियन में म्यूजिक की डिपार्टमेंट ए आर को दिया गया था सिनेमाटोग्राफी संतोष सिवान को दी गई थी एडिटर ए श्रीकार प्रसाद फिक्स किए गए थे आर्ट डायरेक्टर सब सीरियल को फिक्स किया गया था लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा था और उसके बाद में इस फिल्म के साथ काफ़ी लंबे समय तक थोड़ा बहुत काम चलता रहा लेकिन प्रॉपर वे में जो काम स्टार्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा था उसके बाद में जनवरी 2019 में फिल्म के ऊपर थोड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली जहां पे मनी रत्नम ने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को पोनियन सिलवन नाम के साथ दो पार्ट में रिलीज करेंगे जहाँ पर उनके साथ इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने वाले लाइका प्रोडक्शन जहाँ पे इससे पहले चेखा चिवंता वनम फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलने वाले जैसे कि विक्रम विजय सेतुपति जयम रवि जहां पे वो कुछ लीड रोल्स प्ले करने वाले थे को रोल दिया गया था अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए साइन किया गया था तो इस तरह से इस फिल्म के जो मुख्य किरदार है उसके लिए कास्टिंग की जा रही थी लेकिन फिल्म में बाद में एक मेजर चेंज देखने को मिला अप्रैल 2019 में जहां पे विजय सेतुपति ने इस फिल्म के प्रोजेक्ट से आ, साइड ले ली क्योंकि उनकी शेड्यूल है वो मैच नहीं हो रही थी उन्होंने ऑलरेडी काफी सारी फिल्म साइन कर रखी थी जिसकी बदौलत बाद में उनको रिप्लेस किया कार्थी ने और इस फिल्म में अनुष्का सेट्टी भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी जहाँ पे इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन भी देखने को मिलने वाली थी तो ये कुछ आर्टिस्ट फिक्स किए गए थे लेकिन बाद में ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुई तब अनुष्का सेट्टी वहाँ पे नहीं थी पहले जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी वहाँ पे अनुष्का सेट्टी का नाम आया था लेकिन बाद में वो नाम चेंज हो गया और उसके बाद बताया जा रहा था कि अमला पोल वो रोल प्ले करेगी लेकिन और उसके ऊपर भी प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिली थी लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार फिक्स था वेटरन एक्टर आर पार्थिवन जया राम को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल दिए गए थे इलांगू कुमार वेल ने अनाउंस किया था कि वो इस फिल्म को उस स्क्रीन प्ले वो को राइटर है उसके तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही थी बाद में काफ़ी सारे और भी चेंजेस हो रहे थे और उसी के बीच में सभी फिक्सिंग की गई थी सभी आर्टिस्ट की लेकिन फिर से बाद में कुछ ऐसी चीज़ें आई जहाँ पे एडिशनल कास्टिंग के तहत त्रिशा कृष्णन को रोल दिया गया ऐश्वर्या लक्ष्मी को लाया गया विक्रम प्रभु को इंपोर्टेंट किरदार के लिए साइन किया गया जहाँ पे सिलंबरसन और दूसरे आर्टिस्ट थे उनको चेंज करते हुए इन आर्टिस्ट को फिक्स किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पचास किरदार कम से कम आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे पोनियन सेलवन के जो पूरा एक पूरे कई सालों का जो हिस्ट्री दिखाया हुआ है उसमें इतने किरदार वो मेन रहने वाले जिसमें पंद्रह तो फिक्स है वो लीड एक्टर से इस फिल्म में पंद्रह ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है और फिल्म की कहानी में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं तो इसी बदौलत इसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स चाहिए थे जिसके लिए तो काफ़ी हैवी बजट चाहिए था तो सौ करोड़ में थी फिल्म बनने से रही थी उसके बाद में इस फिल्म का बजट धीरे धीरे बढ़ाते गए जहाँ पे ये फिल्म फाइनली 500 करोड़ के बजट के साथ बनी हुई है अब इस फिल्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पहला पार्ट ही इस फिल्म का बताया जा रहा है कि 500 करोड़ का है तो अब देखने वाली बात यह कि दूसरा पार्ट कितना बड़ा और कितने बड़े बजट के साथ बनाया जाएगा और ये सभी चीज़ें डिपेंड रहेगी पहले पार्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर उसके सक्सेस के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो ग्यारह दिसंबर दो को क्राबी कंचम्बुरी में स्टार्ट की गई थी इसके अलावा कुछ थाईलैंड के दूसरे लोकेशन में भी फिल्म को शूट किया था वहाँ पर इस फिल्म को करीबन चालीस दिन शूट किया हुआ था पहला शेड्यूल जनवरी दो तक कंप्लीट करवाया हुआ था दूसरे शेड्यूल को चेन्नई में ही स्टार्ट किया गया था बाद में इस फिल्म को पाण्डिचेरी में भी शूट किया हुआ था और इस फिल्म के सेकंड शेड्यूल को तीन फरवरी दो में पौंडीचेरी से स्टार्ट करते हुए कंप्लीट करवाया हुआ था करीबन छः दिन का वो शेड्यूल था उसके बाद उसका नेक्स्ट शेड्यूल हैदराबाद में ले जाया गया था वहाँ पर इस फिल्म को दस फरवरी से शूटिंग स्टार्ट की गई थी और उसको पूरा शूटिंग है वो रामोजी फिल्म सिटी में सेट किया हुआ था सेकंड शेड्यूल है वो उसको 16 26 फरवरी 2020 को कंप्लीट किया हुआ था उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के साथ शूटिंग के पोर्शन के ऊपर काम करते रहे कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म रुक भी गई थी बीच में उसके बाद में फिर से फिल्म को रिज्यूम सितंबर 2020 तक किया गया था वहाँ पे कुछ शूटिंग को श्रीलंका में भी किया हुआ था कुछ रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए पूरी शूटिंग शूटिंग को धीरे धीरे कम्प्लीट करवा रहे थे उसी के बीच में फिल्म के जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका था तीन फरवरी दो को इस फिल्म का एक स्पेशल नंबर था जो त्रिशा को लेकर और दूसरे ढाई सौ आर्टिस्ट थे जिसको लेकर एक ह्यूज सेट क्रिएट करके तहत को मध्य प्रदेश में कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जैसे कि और छाक ग्वालियर जैसे कई अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में लेट अगस्त 2021 में जयाम रवि विक्रम ने अपने अपने पोर्शंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में इस फिल्म को महेश्वर ले जाया गया जहाँ पे कुछ एक और बड़ा शेड्यूल रखा गया था कार्तित रिसा का और उसके बाद में 4 सितंबर 2021 में रहमान ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के काफ़ी सारे पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं उन्होंने काफ़ी सारे पोर्सन्स के लिए म्यूजिक स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने एक दो सॉन्ग्स का कंपोजिशन भी प्रॉपर वे में सेट कर कर दिया है तो इस तरह से इस फिल्म का काम किया जा रहा था मार्च 2022 तक फिल्म का मोस्ट ऑफ काम शूटिंग कंप्लीट हो चुका था लेकिन थोड़ा पेच वर्क बाकी था जिसको कंप्लीट करने में सात दिन लगे थे तो मार्च 2022 के एंड तक पूरी तरह से फिल्म को शूट करवा लिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन में 27 सितंबर 2021 से डबिंग का काम स्टार्ट किया हुआ था त्रिसा ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अपने डबिंग के लिए खुद वॉइस दी हुई है वहीं पर वही का जो रोल है और पुगोल वही का जो रोल है वो रोल वो प्ले कर रहे तमिल वर्जन में उनका खुद वॉइस और सुनने को मिलेगा विक्रम ने अपने लिए टोटल पाँच लैंग्वेज में डब किया हुआ है उन्होंने लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज तेलगु लैंग्वेज मलयालम और कन्नडा सभी वर्जन के लिए खुद वॉइस ओवर किया हुआ है वहीं पे जयाम रवि कार्थी ने अपने लिए तमिल और तेलुगु वर्जन में डब किया हुआ है बाकी सभी वर्जन के लिए उनके डबिंग आर्टिस्ट चूज किए हुए हैं तो इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने भी काफ़ी बारीकी डिटेल के साथ इस फिल्म में मेहनत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है इस फिल्म का काफ़ी मेसिव और एक बड़ा बैकबोन माना जाएगा इस फिल्म के लिए क्योंकि जो इस फिल्म का थीम है उसमें बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके बीजीएम तो इसको 2021-22 में बीजीएम और सॉन्ग्स को कंपोज किया गया था पंच रिकॉर्ड इन और एम स्टूडियो चेन्नई में जहाँ पे तमिल लैंग्वेज में पहले बनाया गया था जिसके राइट्स टिप्स म्यूजिक को काफ़ी बड़ी रकम में बेचे गए थे ए आर रेहमान है वो इस फिल्म के म्यूजिक कंपोज़र है जिन्होंने इस फिल्म में टोटल छः गानों को कंपोज किया हुआ है तो ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पे पहला गाना है पोन्नी नादी तमिल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ पोन्नी नादी जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए इलांगो कृष्णन ने वहीं पे सिंगर थे ए आर रहमान ए आर रेहानन ब्रह्मम्मा बाकिया सत्यन प्रकाश और इस फिल्म का दूसरा गाना चोला चोला जिसके लिरिक्स लिखे हुए लांगो कृष्णा ने सिंगर थे अभियान कर नकुल वीए महालिंगम और सत्य प्रकाश तीसरा गाना था रच्चासा मामनी जिसके लिरिक्स लिखे थे काबिलान ने सिंगर थे श्रेया घोषाल पलक्कड़ श्रीराम महेश विनायकन चौथा तो गाना था सोल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णी कृतिका नेल्सन ने सिंगर थे रक्षिता सुरेश पांचवा गाना था अलाइका डल जिसके लिरिक्स लिखे हुए सेवा आनंद ने सिंगर थे अंतर आनंद छठे गाना था देवलान अत्तम जिसके लिरिक्स लिखे इलांगो कृष्णन ने और सिंगर थे योगी शेखर वहीं पे इस फिल्म के हिंदी ट्रैक के बारे में बात करें तो सभी गानों को हिंदी में भी रीक्रिएट किया हुआ है जहां पे सभी गानों की जो लिरिक्स है वो महबूब ने लिखे हुए थे पहला गाना था कावेरी से मिलने उसको गाया हुआ है रहमान स्वागत राठौड़ और पूजा तिवारी ने दूसरा गाना है चोला चोला जिसको गाया हुआ है विशाल मिश्रा और स्वागत राठौड़ ने तीसरा गाना है राक्षस मामारे जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल शान मुखर्जी और महेश विनायक करम ने चौथा गाना बोल जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने वहीं पर पांचवा गाना है डूबी डूबी जिसको गाया हुआ है अंतरा नंदी ने छठा गाना है देवरलाल नाच जिसको गाया हुआ है सुदीप जयपुर वाले ने तो इस तरह से इन गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है दूसरे सभी जैसे कि तेलुगु मलयालम कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए अलग अलग सिंगर और लिडिस के पास इस गानों को रिक्रिएट करवाया हुआ था ए रहमान के थ्रू साउंड ट्रैक फिलहाल में सुनने में ऐसा नजर आ रहा है कि डिसेंट है लेकिन ये सभी गाने अगर जब फिल्म के साथ चलेंगे तो मेरी मानना है कि ये और बेहतर वे में उन सभी सीन्स को निखार के लाएंगे फिल्म का बीजीएम फिल्म के गाने फिल्म को बेहतर वे में सपोर्ट करने वाले हैं और करना ही चाहिए तभी इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो आइडिया है वो और निखर के आ पाएगा इस फिल्म की मार्केटिंग के पीछे भी काफ़ी मेहनत की जा रही है अलग अलग समय पे अलग अलग एक्टर्स के थ्रू जैसे कि चीफ गेस्ट के तौर पे ट्रेलर और सॉन्ग जो रिलीज़ किए थे तब कि रजनीकांत और कमल हसन को बुलाया गया था तो इस तरह से काफ़ी बड़े एक्टर्स को लेकर उनके साथ काम करवाया जा रहा है जैसे कि कमल हसन जी ने तमिल वर्जन में जो वॉइस ओवर ट्रेलर में सुनने को मिल रहा है वो उन्होंने दिया हुआ है वहीं पर हिंदी वर्जन के लिए अनिल कपूर ने दिया हुआ था तेलुगु वर्जन के लिए राना दगुबाती ने दिया हुआ था पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म के का मलयालम वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है और जयंत कालकिन ने इस फिल्म के लिए कनाडा वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है एक फिल्म को काफी मेसिव वे में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हिंदी वर्जन में रोडा बना हुआ है वो है ए विक्रम वेदा वो भी ऋतिक रोशन स्टारर तो वो फिल्म का भी बस मार्केट में अच्छा चल रहा है वहीं पे ये फिल्म मार्केट में उतनी गर्म नहीं है पी एस वन साउथ इंडियन लैंग्वेज के बारे में तो नहीं पता लेकिन हिंदी वर्जन में उसका बस जीरो है तो अब जीरो बस के साथ इस फिल्म को अगर इतने बड़े बजट की फिल्म को रिलीज करोगे तो काफ़ी मुश्किलेंत आने वाली है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का कंटेंट थिएटर पे कितना बोलता है कितनी स्क्रीन्स मिलती है हिंदी वर्जन में स्टार्टिंग में बहुत कम स्क्रीन्स मिलने वाली क्योंकि इस फिल्म की सभी स्क्रीन से वो बहुत कम इसलिए रहेगी क्योंकि सबसे बड़ी मेन रीज़न है विक्रम वेदा ऋतिक रोशन स्टार और वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेगी इसके अलावा फ़िलहाल में जो ये फिल्म चल रही है यानी कि काफ़ी सारी फिल्में हिंदी वर्जन में चल रही है जिसमें से अभी फ़िलहाल में जिस तरह से ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र चल रहे तो उसको भी थोड़ी स्क्रीन्स दी जाएगी तो उस हिसाब से इस फिल्म को काफ़ी कम स्क्रीन्स मिलने वाले अब देखते हैं कि इतनी स्क्रीन्स में ये फिल्म कितना कमाल कर पाती है अब हम बात कर लेते इस फ़िल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर और इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स और कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी कितने में बिके थे उसके बारे में इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है 30 सितंबर 2022 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ 170 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बजट करीबन 500 करोड़ जितना बताया जा रहा है तो इतने बड़े बजट के साथ इस फिल्म को लाया जा रहा है जहां पे इस फिल्म के बजट को रिकवर करने के लिए कम से कम इस फिल्म को कम से कम आठ करोड़ का तो कलेक्शन करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म अपना जितना बजट डाला हुआ है उतना कवर कर सकती है थिएटर से अदरवाइज वैसे तो इस फिल्म के ओटीटी राइट्स सैटेलाइट राइट राइट्स को काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया है जहाँ पे ओटीटी राइट्स पांच लैंग्वेज के लिए 125 करोड़ में बिके हुए हैं तो एक अच्छी बात है इस फिल्म के जो ओ टी टी है वो Amazon प्राइम Video ने खरीदे हुए हैं बड़ी रकम देके वहीं पर लैंग्वेज के लिए सन टी वी वालों ने खरीदे हुए सभी वर्जन के वहीं पे हिंदी वर्जन के बारे में अभी तक पता नहीं चला है तो पहले इस फिल्म के म्यूजिक सैटेलाइट ओ टी टी दिए तो काफी सारा प्रॉफिट वहां से आएगा लेकिन थिएटर पे इस फिल्म को रन करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो सकती है वैसे इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में बड़ी ओपनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता कार्थी है विक्रम है ज्याम रवि है इतने तीन बड़े दिग्गज स्टार है तो ये तीन एक्टर्स मिलकर वैसे ही इस फिल्म को बढ़िया से बढ़िया ओपनिंग दिलवा देंगे इस फिल्म के पहले दिन की ओपनिंग सभी लैंग्वेज की वर्ल्ड वाइड जो ओपनिंग रहेगी वो करीबन सत्तर से अस्सी करोड़ की कम से कम होने वाली अब देखने वाली बात ये है कि ये इससे और कितने बड़े लेवल पर आगे जाके फिल्म बड़ी हो पाती है और ये सभी चीज़ें जब फिल्म रिलीज होगी तीस सेप्टेम्बर दो को उसके पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर डिपेंड करेगा जैसा ही वर्ड ऑफ माउथ रहा फिल्म उस कदर उस लेवल पर आगे जाके बड़ी होने वाली क्योंकि काफ़ी सारी लैंग्वेज में, फिल्म रिलीज हो रही है पांच लैंग्वेजेस में तो इस फिल्म को वैसे अगर पॉजिटिव ऑफ माउथ मिला तो ये फिल्म वैसे ही बड़ा कलेक्शन करके देगी भले ही धीरे धीरे लेकिन जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो स्क्रींस बढ़ेगी सभी लैंग्वेजेस में और तमिल लैंग्वेज में भी ये फिल्म स्टेडी रहेगी अदरवाइज तीन दिनों में फिल्म गिर सकती है अगर ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म पहले तीन दिनों में ही दो सौ करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन कर सकती है सभी वर्जन का मिला के डेढ़ सौ से दो सौ करोड़ का वहीं पर मंडे से पता चलेगा कि फिल्म वो लोगों को कितने पसंद आ रही है अगर वहाँ पर ये फिल्म स्टेडी रही तो ये फिल्म एक लंबा रन ले सकती है और आठ सौ से हज़ार करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम का कलेक्शन करके दे सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर मेकर्स ने किस तरह से कितना काम किया हुआ है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लोगों को ये कंटेंट कितना इंगेजिंग और एंटरटेनिंग नजर आता है और इस फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए वो कितने उत्सुक हो पाते हैं अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को काफी बड़े पैमाने पे, पे रिलीज किया जा रहा है जहाँ पे एक ऐसी पहली तमिल फिल्म है जिसको आई में रिलीज किया जा रहा है वैसे इस फिल्म को मई जुलाई 2022 में लाने वाले थे लेकिन काफी सारी फिल्में रिलीज हो रही थी प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी डिले हो रहा था इसकी वजह से इस फिल्म को डिले किया गया पोस्टपोन किया गया जहां पे फाइनली अब ये फिल्म तीस सेप्टेम्बर दो को थिएटर में लग रही है इस फिल्म के ओ राइट्स टी राइट अमेजन प्राइम वीडियो ने एक करोड़ में खरीदे हुए सभी लैंग्वेजेस

तो थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद ये फ़िल्म सन टीवी के जितनी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज़ की चैनल है जैसे कि तमिल तेलुगू मलयालम, कन्नडा वर्जन के लिए वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पे साइमेंटेसली हिंदी वर्जन में कोई बड़े हिंदी लीडिंग टेलीविज़न चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के पास इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स है सभी लैंग्वेज के लिए हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्सनस के लिए तो ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी थिएट्रिकल रिलीज़ के दो तीन महीनों के बाद विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर सेटेलाइट राइट सन टी के पास है साउथ इंडियन लैंग्वेज़ के लिए तो वहाँ पर फिल्म अलग अलग लैंग्वेज के लिए सन टी के अलग अलग चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के पाँच सात महीनों के बाद प्रीमियर करवाई जाएगी ठीक सेम साइमेंटेस्टली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बड़े लीडिंग टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओ टी और थिएटर के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे पोनियन सेलवन वन और पी एस वन पी एस वन शॉर्ट फॉर्म में वहीं पे पोनियन सेलवन का मीनिंग होता है सन ऑफ पोनी पोनी का बेटा और ये जो पोनियन सेलवन सीरीज है उसका पहला पार्ट है ये एक 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एपिक पीरियड एक्शन फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में तो बनाया गया है लेकिन तेलुगु मलयालम कन्नड़ा और हिंदी इन सभी वर्जन में डब्ड करके रिलीज़ किया जाएगा तो ये एक बड़े बजट के साथ आने वाली एक बड़ी तमिल लैंग्वेज पेन इंडिया फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मनी रत्नम ने जो एक ऑलरेडी बहुत बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने अपनी काफ़ी सारी फिल्मों के तहत पूरे इंडिया में तहलका मचाया हुआ था मनी रत्नम का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जहाँ पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी सालों से मेहनत की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया वो उनका ही है वैसे तो पोनियन सेलोनकर करके एक बुक थी नोवेल थी 1955 में लिखी हुई थी कल की कृष्णा मूर्ति के द्वारा तो उनके द्वारा ही इस फिल्म की कहानी लिखी गई है उस बुक के ऊपर ही फिल्म की कहानी आधारित है जहाँ पे इस फिल्म को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है पी वन और पी और इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बी जया मोहन ने लिखे हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो मनी रत्नम और इलांगो कुमारवेल ने लिखा हुआ है डायलॉग्स ओरिजिनल जो डायलॉग्स है तमिल वाले वो बी जया मोहन ने लिखे हुए अदरवाइज दूसरे लैंग्वेज के लिए अलग अलग डायलॉग लिखने वाले आर्टिस्ट को हायर किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो मनी रत्नम खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे उनके साथ एल्हराजा शुभाकारन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है मद्रास टोकीज़ और लाइका प्रोडक्शन तो ये दो प्रोडक्शन कंपनीज है उसके नीचे इस फिल्म को करीबन 500 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है तो ये एक वन ऑफ दी बिग बजट फिल्म में से एक फ़िल्म है जहाँ पे तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्मों में से एक फिल्म तो है ही साथ ही में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्मों में से भी एक फ़िल्म है और जिसे पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो रेड जाएं मूवीज़ इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी वहीं पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले श्री गोकुल मूवीज़ को इस फिल्म के केरला के राइट्स दिए गए वहीं पे लाइका प्रोडक्शन इस फिल्म को टेन कोट्टा करके एसोसिएशन किया हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ ओवरसीज में वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ पे लाइका प्रोडक्शन खुद इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स में से एक है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स तो काफ़ी बड़े हैं तब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म को कितनी स्क्रीन्स मिलती है किस लेवल पर रिलीज किया जाता है वैसे ये फिल्म हिंदी में विक्रम वेदा करके जो ऋतिक रोशन सैफ अली खान स्टार फिल्म है उसके साथ क्लेश हो रही है तो हिंदी लैंग्वेज में वो एक बड़ी फिल्म आ रही है हालांकि विक्रम वेदा ऑलरेडी तमिल फिल्म का ही रीमेक है जिसको तमिल में 2017 में विजय सेतुपति और आर माधवन को लेकर बनाया हुआ था उसी फिल्म का ये रीमेक है तो अब देखने वाली बात यह है कि उस फिल्म की भी हाइप काफ़ी बड़ी है और पोनियन सेलवन अपनी फिल्म के साथ मनी रत्न इस फिल्म के साथ हिंदी लैंग्वेज में ऑडियंस के सामने एक नया एक्सपेरिमेंट्स लाने वाले तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों के साथ वो किस तरह से कितना बेहतर वे में कनेक्ट करवा पाते कितनी स्क्रीन्स हासिल कर पाते फिल्म की कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो फिल्म में काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और उन कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स को साइन किया हुआ है जहाँ पे कास्टिंग की शुरुआत करें विक्रम से तो विक्रम ने आदित्य कार्यकालन का रोल प्ले किया हुआ है जो क्राउन प्रिंस है कमांडर है नॉर्थन ट्रोप के सुदर्शन जो चोला रीजन है वहाँ के वो कमांडर है और सुंदरा चोला के वो सबसे बड़े बेटे जहाँ पे अरुल मोलीवरगम और कुंदरवर्ग के एल्डर ब्रदर है अब जया जयाम रवि जो अरुण मौलिवरमन का रोल प्ले कर रहे हैं जो उनका भाई है वहीं पे कार्थी ने मानथिया थेलवन का रोल प्ले किया हुआ है अरुल वरन ए के पोनियन सेलवन वो रोल उनका है बाद में वो ग्रेट किंग राजा राजा चोला के नाम से जाने जाएंगे और वो यंगेस्ट सन है सुंदर चोला के और आदित्य कारिकलन और कुदरवेल के यंगर ब्रदर है कार्थी ने इस फिल्म में जो वाथिर वानथिर यार थेवन का जो रोल प्ले किया हुआ है वो एक ब्रेव एडवेट एडवेंचरस और सार्केस्टिक वॉरियर प्रिंस है वानर क्लैन के इसके अलावा ईश्वर राय बच्चन डबल रोल में दिखाई देंगी ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक तो है नंदनी का दूसरा है पलुवे राय का और उनका जो यंगर वर्जन है वो सारा अर्जुन ने प्ले किया हुआ है यंग नंदनी वाला रोल वो पल्लुवरर की क्वीन है नंदनी वाला किरदार और पेरिया की वाइफ है वहीं पे आदित्य कारिकलन का लव इंटरेस्ट है पल्लू वेत्तरायन वो रोल भी उन्होंने प्ले किया हुआ है मंदाकिनी देवी भी इस फिल्म में आपको सिंगारा नाचियार के रोल में दिखाई देंगी त्रिशा ने इस फिल्म में कुंदाबाई का रोल प्ले किया हुआ है जो इलैया पिराटी के नाम से भी जानी जाएगी इस फिल्म में और चोला के प्रिंस है और जो सुंदर चोला का एम्प्रर है उसकी डॉटर है और वलैया रन का लव इंटरेस्ट है ऐश्वर्या लक्ष्मी आपको पुंगुलाली पुंग लाली के रोल में दिखाई देंगे जो समूथी राकुमारी का रोल प्ले कर रही है इसके अलावा सोबिता धूलिपाला आपको वानती का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी प्रभु ने इस फिल्म में पेरिया वेल्लर बुद्धि विक्रमा केसरी का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार ने इस फिल्म में पेरिया पल्लुवेत्तराय का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम प्रभु को पार्थिबेन पल्लवन का रोल दिया गया है जो आदित्य कार्यकरण के फ्रेंड है इसके अलावा जयराम ने इस फिल्म में अल्लाक अल्लावर काडियन नम्बी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे फिल्म में आपको और भी काफ़ी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे प्रकाश राजे सुंदर चोला के रोल में दिखाई देंगे रेहमान ने मधुर टक्का उत्तम चोला का रोल प्ले किया हुआ है आर पार्थिबन आपको चिन्ना पल्लुवित्तरयल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अश्विन काकुमन ने इस फिल्म में सेंथन अमुडन का रोल प्ले किया हुआ है अश्विन राव आपको कदम आरन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे नीलागल रवि ने इस फिल्म में कदम पर सांबुवर का वरियर का रोल प्ले किया हुआ है लाल को इस फिल्म में तिरुकोलियर मल्यामन का रोल दिया गया है विजय कुमार ने इस फिल्म में विजया चोला का रोल प्ले किया हुआ है विद्या सुब्रमण्यम ने इस फिल्म में वानवन महान देवी का रोल प्ले किया हुआ है जया चित्रा को इस फिल्म में सेम्बियान महादेवी का रोल दिया गया पेरिया पीरात्ती के नाम से भी जानी जाएगी नजर ने इस फिल्म में वीरा पांडियन का रोल प्ले किया हुआ है किसर को रवि रविदसान का रोल दिया गया था रियाज खान ने इस फिल्म में सोमन संभवन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे विनय कुमार को इस फिल्म में परमेश्वरन और वन ऑफ़ ऑफ़ मेंबर पांडियन अब्दुवल का रोल दिया गया था निम्मी राफेल इस फिल्म में रकमाल का रोल प्ले करती नजर आएंगे मोहन रामन ने इस फिल्म में कुदन थी चौथी गर्दर का रोल प्ले किया हुआ है विनोदिनी वैद्यनाथन ने इस फिल्म में वासुकी का रोल प्ले किया हुआ है जो नंदनी की मेड है मास्टर रघुवन ने इस फिल्म में पांड्या प्रिंस का रोल प्ले किया हुआ है बाबू एंटनी को इस फिल्म में राष्ट्रकूटा किंग का रोल दिया गया है इसके अलावा मकरंदेश देश पांडे आपको चीप कालमुगर का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे इनके अलावा अर्जुन चिदम्बरम विजय यशुदास अमजद खान और बालाजी शक्तिवेल ये सभी लोग भी आपको अलग अलग किरदार में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो जैसे भाई ने बताया कि 500 करोड़ के बजट के साथ में इस फिल्म को बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक बुक के ऊपर लिखा हुआ है सिनेमेटोग्राफी वो रवि वर्मन की देखने को मिलेगी एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है और बताया जा रहा है कि इस फिल्म का रन टाइम 170 मिनट है यानी कि दो घंटे 50 मिनट का इस फिल्म का ये पहला पार्ट देखने को मिलेगा इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए फिल्म में आपको टोटल छः छः गाने सुनने को मिलेंगे सभी वर्जनस में जिसके जो राइट्स है वो खरीदे हुए टिप्स म्यूज़िक ने सभी वर्जनस के लिए अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के तहत इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काल की कृष्णमूर्ति के बुक के ऊपर से बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म का एक एडेप्टसन लिया हुआ है सिनेमेटिक लिबर्टी के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को करीबन दो पार्ट में बेचा गया है जिसमें अलग अलग किरदार के लिए अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 2010 से इस फिल्म के डायरेक्टर मनी रत्नम काम करते हुए नज़र आ रहे जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बारीकी डिटेल के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे पहले इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाने वाले थे जहाँ पे मनी रत्नम खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें फाइनलाइज की गई थी जहाँ पे टेक्नीशियन में म्यूजिक की डिपार्टमेंट ए को दिया गया था सिनेमाटोग्राफी संतोष सिवान को दी गई थी एडिटर ए श्रीकार प्रसाद फिक्स किए गए थे आर्ट डायरेक्टर सब सीरियल को फिक्स किया गया था लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा था और उसके बाद में इस फिल्म के साथ काफ़ी लंबे समय तक थोड़ा बहुत काम चलता रहा लेकिन प्रॉपर वे में जो काम स्टार्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा था उसके बाद में जनवरी 2019 में फिल्म के ऊपर थोड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली जहाँ पे मनी रत्नम ने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को पोनियन सिलवन नाम के साथ दो पार्ट में रिलीज़ करेंगे जहाँ पर उनके साथ इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने वाले लाइका प्रोडक्शन जहाँ पे इससे पहले चेका चिवंता वनम फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलने वाले जैसे कि विक्रम विजय सेतुपति पे वो कुछ प्ले करने वाले थे बरसन को क्रूसल रोल दिया गया था अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए साइन किया गया था तो इस तरह से इस फिल्म के जो मुख्य किरदार है उसके लिए कास्टिंग की जा रही थी लेकिन फिल्म में बाद में एक मेजर चेंज देखने को मिला अप्रैल 2019 में जहां पे विजय सेतुपति ने इस फिल्म के प्रोजेक्ट से साइड ले ली क्योंकि उनकी शेड्यूल है वो मैच नहीं हो रही थी उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारी फिल्में साइन कर रखी थी जिसकी बदौलत बाद में उनको रिप्लेस किया कार्थी ने और इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी जहाँ पे इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन भी देखने को मिलने वाली थी तो ये कुछ आर्टिस्ट फिक्स किए गए थे लेकिन बाद में ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुई तब अनुष्का सेट्टी वहाँ पे नहीं थी पहले जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी वहाँ पे अनुष्का सेट्टी का नाम आया था लेकिन बाद में वो नाम चेंज हो गया और उसके बाद बताया जा रहा था कि अमला पोल वो रोल प्ले करेगी लेकिन और उसके ऊपर भी प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिली थी लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार फिक्स था वेटेरन एक्टर आर पार्थिबन जयराम को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल दिए गए थे इलांगो कुमारवेल ने अनाउंस किया था कि वो इस फिल्म को स्क्रीन प्ले वो को राइटर है उसके तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही थी बाद में काफी सारे और भी चेंजेस हो रहे थे और उसी के बीच में सभी फिक्सिंग की गई थी सभी आर्टिस्ट की लेकिन फिर से बाद में कुछ ऐसी चीजें आई जहाँ पे एडिशनल कास्टिंग के तहत त्रिशा कृष्णन को रोल दिया गया ऐश्वर्या लक्ष्मी को लाया गया विक्रम प्रभु को इम्पोर्टेंट किरदार के, के लिए साइन किया गया जहाँ पे सीलम्बर हसन और दूसरे आर्टिस्ट थे उनको चेंज करते हुए इन आर्टिस्ट को फिक्स किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पचास किरदार कम से कम आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे पोनियन सेलवन के जो पूरा एक पूरे कई सालों का जो हिस्ट्री दिखाया हुआ है उसमें इतने किरदार वो मेन रहने वाले जिसमें पंद्रह तो फिक्स है वो लीड एक्टर्स है इस फिल्म में पंद्रह ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है और फिल्म की कहानी में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं तो इसी बदौलत इसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स चाहिए थे जिसके लिए तो काफ़ी हैवी बजट चाहिए था तो सौ करोड़ में थी फिल्म बनने से रही थी उसके बाद में इस फिल्म का बजट धीरे धीरे बढ़ाते गए जहाँ पे ये फिल्म फाइनली 500 करोड़ के बजट के साथ बनी हुई है अब इस फिल्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पहला पार्ट ही इस फिल्म का बताया जा रहा है कि 500 करोड़ का है तो अब देखने वाली बात यह कि दूसरा पार्ट कितना बड़ा और कितने बड़े बजट के साथ बनाया जाएगा और ये सभी चीज़ें डिपेंड रहेगी पहले पार्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर उसके सक्सेस के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो ग्यारह दिसंबर दो को क्राबी कंचम्बुरी में स्टार्ट की गई थी इसके अलावा कुछ थाईलैंड के दूसरे लोकेशन में भी फिल्म को शूट किया था वहाँ पर इस फिल्म को करीबन चालीस दिन शूट किया हुआ था पहला शेड्यूल जनवरी दो तक कंप्लीट करवाया हुआ था दूसरे शेड्यूल को चेन्नई में ही स्टार्ट किया गया था बाद में इस फिल्म को पाण्डिचेरी में भी शूट किया हुआ था और इस फिल्म के सेकंड शेड्यूल को तीन फरवरी दो में पाण्डिचेरी से स्टार्ट करते हुए कम्प्लीट करवाया हुआ था करीबन छः दिन का वो शेड्यूल था उसके बाद उसका नेक्स्ट शेड्यूल हैदराबाद में ले जाया गया था वहाँ पर इस फिल्म को दस फरवरी से शूटिंग स्टार्ट की गई थी और उसको पूरा शूटिंग है वो रामोजी फिल्म सिटी में सेट किया हुआ था सेकंड शेड्यूल है वो उसको 16 26 फरवरी 2020 को कंप्लीट किया हुआ था उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के साथ शूटिंग के पोर्शन के ऊपर काम करते रहे कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म रुक भी गई थी बीच में उसके बाद में फिर से फिल्म को रिज्यूम सितंबर 2020 तक किया गया था वहाँ पे कुछ शूटिंग को श्रीलंका में भी किया हुआ था कुछ रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए पूरी शूटिंग शूटिंग को धीरे धीरे कम्प्लीट करवा रहे थे उसी के बीच में फिल्म के जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका था तीन फरवरी दो को इस फिल्म का एक स्पेशल नंबर था जो त्रिसा को लेकर और दूसरे ढाई सौ आर्टिस्ट थे जिसको लेकर एक ह्यूज सेट क्रिएट करके उसको रामाजी फिल्म सिटी में फिल्माया गया था इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग शेड्यूल के तहत हैदराबाद चेन्नई पॉण्डीचेरी और ऐसे अलग अलग लोकेशंस को लेकर फिल्म को शूट किया हुआ था अगस्त महीने में फ़िल्म को मध्य प्रदेश में कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जैसे कि ओरछा ग्वालियर जैसे कई अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में लेट अगस्त 2021 में जयाम रवि विक्रम ने अपने अपने पोर्शंस को पूरी तरह से कम्प्लीट कर दिया था उसके बाद में इस फिल्म को महेश्वर ले जाया गया जहाँ पे कुछ एक और बड़ा शेड्यूल रखा गया था कार्तिक रिसा का और उसके बाद में 4 सितंबर 2021 में रहमान ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के काफ़ी सारे पोर्शन कंप्लीट हो चुके उन्होंने काफी सारे पोर्शंस के लिए म्यूजिक स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने एक दो सॉन्ग्स का कंपोजिशन भी प्रॉपर वे में सेट कर कर दिया है तो इस तरह से इस फिल्म का काम किया जा रहा था मार्च 2022 तक फिल्म का मोस्ट ऑफ काम शूटिंग कंप्लीट हो चुका था लेकिन थोड़ा पेच वर्क बाकी था जिसको कंप्लीट करने में सात दिन लगे थे तो मार्च 2022 के एंड तक पूरी तरह से फिल्म को शूट करवा लिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन में 27 सितंबर 2021 से डबिंग का काम स्टार्ट किया हुआ था त्रिसा ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अपने डबिंग के लिए खुद वॉइस दी हुई है वहीं पर वही का जो रोल है और पुगोल वही का जो रोल है वो रोल वो प्ले कर रहे तमिल वर्जन में उनका खुद वॉइस और सुनने को मिलेगा विक्रम ने अपने लिए टोटल पाँच लैंग्वेजिस में डब किया हुआ है उन्होंने लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज तेलगु लैंग्वेज मलयालम और कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए खुद वॉइस ओवर किया हुआ है वहीं पे जयाम रवि कार्थी ने अपने लिए तमिल और तेलुगु वर्जन में डब किया हुआ है बाकी सभी वर्जन के लिए उनके डबिंग आर्टिस्ट चूज किए हुए हैं तो इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने भी काफ़ी बारीकी डिटेल के साथ इस फिल्म में मेहनत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है इस फिल्म का काफ़ी मेसिव और एक बड़ा बैकबोन माना जाएगा इस फिल्म के लिए क्योंकि जो इस फिल्म का थीम है उसमें बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके बीजीएम तो इसको 2021-22 में बीजीएम और सॉन्ग्स को कंपोज किया गया था पंच रिकॉर्ड इन और एम स्टूडियो चेन्नई में जहाँ पे तमिल लैंग्वेज में पहले बनाया गया था जिसके राइट्स टिप्स म्यूजिक को काफी बड़ी रकम में बेचे गए थे ए आर रहेमान है वो इस फिल्म के म्यूजिक कंपोज़र है जिन्होंने इस फिल्म में टोटल छः गानों को कंपोज किया हुआ है तो ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पे पहला गाना है पौनी नादी तमिल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ पौन्नी नादी जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए इलांगो कृष्णन ने वहीं पर सिंगर थे ए आर रहमान ए आर रेहानन ब्र ब्रह्मा बाक्या सत्यन प्रकाश और इस फिल्म का दूसरा गाना चोला चोला जिसके लिरिक्स लिखे हुई लांगो कृष्णा ने सिंगर थे अभियंकर नकुल वी महालिंगम और सत्य प्रकाश तीसरा गाना था रच्चासा मामनी जिसके लिरिक्स लिखे थे काबिलान ने सिंगर थे श्रेया घोषाल पलक्कड़ श्री राम महेश विनायकरण चौथा गाना था सोल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णी कृतिका नेल्सन ने सिंगर थे रक्षिता सुरेश पांचवा गाना था अलाई कडल जिसके लिरिक्स लिखे हुए शिवा आनंद ने सिंगर थे अंतर आनंदी छठा गाना था देवर लाल जिसके लिरिक्स लिखे इलांगो कृष्णन ने और सिंगर थे योगी शेखर वहीं पे इस फिल्म के हिंदी ट्रैक के बारे में बात करें तो सभी गानों को हिंदी में भी रिक्रिएट किया हुआ है जहाँ पे सभी गानों की जो लिरिक्स है वो महबूब ने लिखे हुए थे पहला गाना था कावेरी से मिलने उसको गाया हुआ है रहमान स्वागत राठौड़ और पूजा तिवारी ने दूसरा गाना है चोला चोला जिसको गाया हुआ है विशाल मिश्रा और स्वागत राठौड़ ने तीसरा गाना है राक्षस मामा रे जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल शान मुखर्जी और महेश विनायक करम ने चौथा गाना बोल जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने वहीं पे पाँचवा गाना है डूबी डूबी जिसको गाया हुआ है अंतरा नंदी ने छठा गाना है देवरलाल नाच जिसको गाया हुआ है सुदीप जयपुर वाले ने तो इस तरह से इन गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ है दूसरे सभी जैसे कि तेलुगु मलयालम कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए अलग अलग सिंगर और लिरिश के पास इस गानों को रिक्रिएट करवाया हुआ था ए रहमान के थ्रू साउंड ट्रैक फिलहाल में सुनने में ऐसा नजर आ रहा है कि डिसेंट है लेकिन ये सभी गाने अगर जब फिल्म के साथ चलेंगे तो मेरा मानना है कि ये और बेहतर वे में उन सभी सीन्स को निखार के लाएंगे फिल्म का बीजीएम फिल्म के गाने फिल्म को बेहतर वे में सपोर्ट करने वाले हैं और करना ही चाहिए तभी इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो आइडिया है वो और निखर के आ पाएगा इस फिल्म की मार्केटिंग के पीछे भी काफ़ी मेहनत की जा रही है अलग अलग समय पे अलग अलग एक्टर्स के थ्रू जैसे कि चीफ गेस्ट के तौर पे ट्रेलर और सॉन्ग जो रिलीज़ किए थे तब कि रजनीकांत और कमल हसन को बुलाया गया था तो इस तरह से काफ़ी बड़े एक्टर्स को लेकर उनके साथ काम करवाया जा रहा है जैसे कि कमल हसन जी ने तमिल वर्जन में जो वॉइस ओवर ट्रेलर में सुनने को मिल रहा है वो उन्होंने दिया हुआ है वहीं पर हिंदी वर्जन के लिए अनिल कपूर ने दिया हुआ था तेलुगु वर्जन के लिए राना दगुबाती ने दिया हुआ था पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म के का मलयालम वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है और जयंत कालकिन ने इस फिल्म के लिए कनाडा वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म को काफ़ी मेसिव वे में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हिंदी वर्जन में रोडा बना हुआ है वो है ए विक्रम वेदा वो भी ऋतिक रोशन स्टारर तो वो फिल्म का भी बस मार्केट में अच्छा चल रहा है वहीं पे ये फिल्म मार्केट में उतनी गर्म नहीं है पी एस वन साउथ इंडियन लैंग्वेज के बारे में तो नहीं पता लेकिन हिंदी वर्जन में उसका बस जीरो है तो अब जीरो बस के साथ इस फिल्म को अगर इतने बड़े बजट की फिल्म को रिलीज़ करोगे तो काफ़ी मुश्किल आने वाली है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का कंटेंट थिएटर पे कितना बोलता है कितनी स्क्रीन्स मिलती है हिंदी वर्जन में स्टार्टिंग में बहुत कम स्क्रीन्स मिलने वाली क्योंकि इस फिल्म की सभी स्क्रीन से वो बहुत कम इसलिए रहेगी क्योंकि सबसे बड़ी मेन रीज़न है विक्रम वेदा ऋतिक रोशन स्टार और वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा स्क्रींस मिलेगी इसके अलावा फिलहाल में जो ये फिल्म चल रही है यानी कि काफ़ी सारी फिल्में हिंदी वर्जन में चल रही है जिसमें से अभी फिलहाल में जिस तरह से ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र चल रहे तो उसको भी थोड़ी स्क्रीन्स दी जाएगी तो उस हिसाब से इस फिल्म को काफ़ी कम स्क्रीन्स मिलने वाले अब देखते हैं कि इतनी स्क्रीन्स में ये फिल्म कितना कमाल कर पाती है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर और इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स और, राइट और कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी कितने में बिके थे उसके बारे में इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है 30 सितंबर 2022 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ 170 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बजट करीबन 500 करोड़ जितना बताया जा रहा है तो इतने बड़े बजट के साथ इस फिल्म को लाया जा रहा है जहां पे इस फिल्म के बजट को रिकवर करने के लिए कम से कम इस फिल्म को कम से कम आठ करोड़ का तो कलेक्शन करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म अपना जितना बजट डाला हुआ है उतना कवर कर सकती है थिएटर से अदरवाइज वैसे तो इस फिल्म के ओ राइट्स टी राइड्स सेटेलाइट राइड्स को काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया है जहाँ पे ओ राइट्स पांच राइड्स लैंग्वेज़ के लिए 125 करोड़ में बिके हुए तो एक अच्छी बात है इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए बड़ी रकम से के वहीं पर सैटेलाइट राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज़ के लिए सन टी वालों ने खरीदे हुए सभी वर्जनस के वहीं पर हिंदी वर्जन के बारे में अभी तक पता नहीं चला है तो पहले इस फिल्म के म्यूजिक सैटेलाइट ओ टी, -टी बेच दिए तो काफ़ी सारा प्रॉफिट वहाँ से आएगा लेकिन थिएटर पे इस फिल्म को रन करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो सकती है वैसे इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में बड़ी ओपनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता कार्थी है विक्रम है ज्याम रवि है इतने तीन बड़े दिग्गज स्टार है तो ये तीन एक्टर्स मिलकर वैसे ही इस फिल्म को बढ़िया से बढ़िया ओपनिंग दिलवा देंगे इस फिल्म के पहले दिन की ओपनिंग सभी लैंग्वेज की वर्ल्ड वाइड जो ओपनिंग रहेगी वो करीबन सत्तर से अस्सी करोड़ की कम से कम होने वाली अब देखने वाली बात ये है कि ये इससे और कितने बड़े लेवल पर आगे जाके फिल्म बड़ी हो पाती है और ये सभी चीज़ें जब फिल्म रिलीज होगी तीस सेप्टेम्बर दो को उसके पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर डिपेंड करेगा जैसा ही वर्ड ऑफ माउथ रहा फिल्म उस कदर उस लेवल पर आगे जाके बड़ी होने वाली क्योंकि काफ़ी सारी लैंग्वेज में फिल्म रिलीज हो रही पांच लैंग्वेजेस में तो इस फिल्म को वैसे अगर पॉजिटिव ऑफ माउथ मिला तो ये फिल्म वैसे ही बड़ा कलेक्शन करके देगी भले ही धीरे धीरे लेकिन जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो स्क्रींस बढ़ेगी सभी लैंग्वेजेस में और तमिल लैंग्वेज में भी ये फिल्म स्टेडी रहेगी अदरवाइज तीन दिनों में फिल्म गिर सकती है अगर ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म पहले तीन दिनों में ही दो सौ करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन कर सकती है सभी वर्जन का मिला के डेढ़ सौ से दो सौ करोड़ का वहीं पर मंडे से पता चलेगा कि फिल्म वो लोगों को कितनी पसंद आ रही है अगर वहाँ पर ये फिल्म स्टेडी रही तो ये फिल्म एक लंबा रन ले सकती है और आठ सौ से हज़ार करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम का कलेक्शन करके दे सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर मेकर्स ने किस तरह से कितना काम किया हुआ है तो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि लोगों को यह कंटेंट कितना इंगेजिंग और एंटरटेनिंग नजर आता है और इस फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए वो कितने उत्सुक हो पाते हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को काफी बड़े पैमाने पे, पे रिलीज किया जा रहा है जहाँ पे एक ऐसी पहली तमिल फिल्म है जिसको आई में रिलीज़ किया जा रहा है वैसे इस फिल्म को मई जुलाई 2022 में लाने वाले थे लेकिन काफी सारी फिल्में रिलीज हो रही थी प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी डिले हो रहा था इसकी वजह से इस फिल्म को डिले किया गया पोस्टपोन किया गया जहाँ पे फाइनली अब ये फिल्म तीस सेप्टेम्बर दो को थिएटर में लग रही है इस फिल्म के ओ राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो ने एक करोड़ में खरीदे हुए सभी लैंग्वेजेस यानी

तो थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद ये फ़िल्म सन टीवी के जितनी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज़ की चैनल है जैसे कि तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा वर्जन के लिए वहाँ पर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पे साइमटेसली हिंदी वर्जन में कोई बड़े हिंदी लीडिंग टेलीविज़न चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के पास इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स है सभी लैंग्वेज के लिए हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्सनस के लिए तो ये फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी थिएट्रिकल रिलीज़ के दो तीन महीनों के बाद विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर सेटेलाइट राइट सन टी के पास है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए तो वहाँ पर फिल्म अलग अलग लैंग्वेज के लिए सन टी के अलग अलग चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद प्रीमियर करवाई जाएगी ठीक सेम साइमेंटेस्टली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बड़े लीडिंग टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओ टी और थिएटर के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे पोनियन सेलवन वन और पी एस वन पी एस वन शॉर्ट फॉर्म में वहीं पे पोनियन सेलवन का मीनिंग होता है सन ऑफ पोनी पोनी का बेटा और ये जो पोनियन सेलवन सीरीज है उसका पहला पार्ट है ये एक 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एपिक पीरियड एक्शन फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में तो बनाया गया है लेकिन तेलुगु मलयालम कन्नड़ा और हिंदी इन सभी वर्जन में डब्ड करके रिलीज किया जाएगा तो ये एक बड़े बजट के साथ आने वाली एक बड़ी तमिल लैंग्वेज पेन इंडिया फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है मनी रत्नम ने जो एक ऑलरेडी बहुत बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने अपनी काफ़ी सारी फिल्मों के तहत पूरे इंडिया में तहलका मचाया हुआ था मनी रत्नम का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जहाँ पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी सालों से मेहनत की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया वो उनका ही है वैसे तो पोनियन सेलोन करके एक बुक थी नोवेल थी 1955 में लिखी हुई थी कल की कृष्णा मूर्ति के द्वारा तो उनके द्वारा ही इस फिल्म की कहानी लिखी गई है उस बुक के ऊपर ही फिल्म की कहानी आधारित है जहाँ पे इस फिल्म को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है पी वन और पी टू और इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बी जया मोहन ने लिखे हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो मनी रत्नम और इलांगो कुमारवेल ने लिखा हुआ है डायलॉग्स ओरिजिनल जो डायलॉग्स है तमिल वाले वो भी जया मोहन ने लिखे हुए अदरवाइज दूसरे लैंग्वेज़ के लिए अलग अलग डायलॉग लिखने वाले आर्टिस्ट को हायर किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो मनी रत्नम खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे उनके साथ एल्हराजा शुभाकारन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है मद्रास टोकीज़ और लाइका प्रोडक्शन तो ये दो प्रोडक्शन कंपनीज है उसके नीचे इस फिल्म को करीबन 500 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है तो ये एक वन ऑफ दी बिग बजट फिल्म में से एक फ़िल्म है जहाँ पे तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्मों में से एक फिल्म तो है ही साथ ही में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्मों में से भी एक फ़िल्म है और जिसे पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो रेड जाइंट मूवीज़ इस फिल्म को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी वहीं पे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले श्री गोकुल मूवीज़ को इस फिल्म के केरला के राइट्स दिए गए वहीं पर लाइका प्रोडक्शन इस फिल्म को टेन कोट्टा करके एसोसिएशन किया हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ ओवरसीज में वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ पे लाइका प्रोडक्शन खुद इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स में से एक है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स तो काफ़ी बड़े हैं तब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म को कितनी स्क्रीन्स मिलती है किस लेवल पर रिलीज किया जाता है वैसे ये फिल्म हिंदी में विक्रम वेदा करके जो ऋतिक रोशन सैफ अली खान स्टारर फिल्म है उसके साथ क्लेश हो रही है तो हिंदी लैंग्वेज में वो एक बड़ी फिल्म आ रही है हालांकि विक्रम वेदा ऑलरेडी तमिल फिल्म का ही रीमेक है जिसको तमिल में 2017 में विजय सेतुपति और आर माधवन को लेकर बनाया हुआ था उसी फिल्म का ये रीमेक है तो अब देखने वाली बात यह है कि उस फिल्म की भी हाइप काफ़ी बड़ी है और पोनियन सेलवन अपनी फिल्म के साथ मनी रत्नम इस फिल्म के साथ हिंदी लैंग्वेज में ऑडियंस के सामने एक नया एक्सपेरिमेंट्स लाने वाले तो अब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों के साथ वो किस तरह से कितना बेहतर वे में कनेक्ट करवा पाते कितनी स्क्रीन हासिल कर पाते फिल्म की कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो फिल्म में काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और उन कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स को साइन किया हुआ है जहाँ पे कास्टिंग की शुरुआत करें विक्रम से तो विक्रम ने आदित्य कार्यकालन का रोल प्ले किया हुआ है जो क्राउन प्रिंस है कमांडर है नॉर्थन ट्रोप के सुदर्शन जो चोला रीजन है वहाँ के वो कमांडर है और सुंदरा चोला के वो सबसे बड़े बेटे जहाँ पे अरुल मोलिवर्गम और कुंदरवरे के एल्डर ब्रदर है अब जया जयाम रवि जो अरुण मौलिवरमन का रोल प्ले कर रहे हैं जो उनका भाई है वहीं पे कार्थी ने मानथिया थेलवन का रोल प्ले किया हुआ है अरुल वरन ए के पोनियन सेलवन वो रोल उनका है बाद में वो ग्रेट किंग राजा राजा चोला के नाम से जाने जाएंगे और वो यंगेस्ट सन है सुंदर चोला के और आदित्य कारिकलन और कुदारवेल के यंगर ब्रदर है कार्थी ने इस फिल्म में जो वाथिर वानथिर यार थेवन का जो रोल प्ले किया हुआ है वो एक ब्रेव एडवेट एडवेंचरस और सार्केस्टिक वॉरियर प्रिंस है वानर क्लैन के इसके अलावा ईश्वर राय बच्चन डबल रोल में दिखाई देंगी ड्यूअल रोल प्ले किया हुआ है एक तो है नंदनी का दूसरा है पलुवित राय का और उनका जो यंगर वर्जन है वो सारा अर्जुन ने प्ले किया हुआ है यंग नंदनी वाला रोल वो पल्लुवर की क्वीन है नंदनी वाला किरदार और पेरिया की वाइफ है वहीं पे आदित्य कारिकलन का लव इंटरेस्ट है पल्लू वेतरायन वो रोल भी उन्होंने प्ले किया हुआ है मंदाकिनी देवी भी इस फिल्म में आपको सिंगारा नाचियार के रोल में दिखाई देंगी त्रिशा ने इस फिल्म में कुंदाबाई का रोल प्ले किया हुआ है जो इलैया पिराटी के नाम से भी जानी जाएगी इस फिल्म में और चोला की प्रिंस है और जो सुंदर चोला का एम्प्रर है उसकी डॉटर है और वलैया रन का लव इंटरेस्ट है ऐश्वर्या लक्ष्मी आपको पुंगुलाली पुंग लाली के रोल में दिखाई देंगे जो समूथी राकुमारी का रोल प्ले कर रही है इसके अलावा शोभिता धूलिपाला आपको वानथी का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी प्रभु ने इस फिल्म में पेरिया वेल्लर बुद्धि विक्रमा केसरी का रोल प्ले किया हुआ है आर शरद कुमार ने इस फिल्म में पेरिया पल्लुवेत्तराय का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम प्रभु को पार्थिबेन पल्लवन का रोल दिया गया है जो आदित्य कार्यकरण के फ्रेंड है इसके अलावा जयराम ने इस फिल्म में अल्लाक अल्लावर काडियन डम्बी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे फिल्म में आपको और भी काफ़ी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलती है जहाँ पे प्रकाश राजे सुंदर चोला के रोल में दिखाई देंगे रेहमान ने मधुर टक्का उत्तम चोला का रोल प्ले किया हुआ है आर पार्थिबन आपको चिन्ना पल्लुवेत्तरयल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अश्विन काकुमन ने इस फिल्म में सेंथन अमुडन का रोल प्ले किया हुआ है अश्विन राव आपको कदम आरन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे नीलागल रवि ने इस फिल्म में कदम पर सांबूवर का वरियर का रोल प्ले किया हुआ है लाल को इस फिल्म में तिरुकोलियर मल्यामन का रोल दिया गया है विजय कुमार ने इस फिल्म में विजया चोला का रोल प्ले किया हुआ है विद्या सुब्रमण्यम ने इस फिल्म में वानवन महान देवी का रोल प्ले किया हुआ है जय चित्रा को इस फिल्म में सेम्बियान महादेवी का रोल दिया गया है पेरिया पीरात्ती के नाम से भी जानी जाएगी नजर ने इस फिल्म में वीरा पांडियन का रोल प्ले किया हुआ है किसर को रवि दसान का रोल दिया गया था रियाज खान ने इस फिल्म में सोमन संभवन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे विनय कुमार को इस फिल्म में परमेश्वरन और वन ऑफ़ ऑफ़ द मेंबर पांडियन अब्दुवल का रोल दिया गया था निम्मी राफेल इस फिल्म में रकमाल का रोल प्ले करती नजर आएंगी मोहन रामन ने इस फिल्म में कुदन थी चौथी गर्दर का रोल प्ले किया हुआ है विनोदिनी वैद्यनाथन ने इस फिल्म में वासुकी का रोल प्ले, प्ले किया हुआ है जो नंदन की मेड है मास्टर रघुवन ने इस फिल्म में पांड्या प्रिंस का रोल प्ले किया हुआ है बाबू एंटनी को इस फिल्म में राष्ट्रकूटा किंग का रोल दिया गया है इसके अलावा मकरंदेश देश पांडे आपको चीप कालमुगर का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे इनके अलावा अर्जुन चिदम्बरम विजय यशुदास अमजद खान और बालाजी शक्तिवेल ये सभी लोग भी आपको अलग अलग किरदार में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो जैसे कि मैंने बताया कि 500 करोड़ के बजट के साथ में इस फिल्म को बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म को एक बुक के ऊपर लिखा हुआ है सिनेमेटोग्राफी वो रवि वर्मन की देखने को मिलेगी एडिटिंग ए श्रीकार प्रसाद ने की हुई है और बताया जा रहा है कि इस फिल्म का रन टाइम 170 मिनट है यानी कि दो घंटे 50 मिनट का इस फिल्म का ये पहला पार्ट देखने को मिलेगा इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कम्पोज किए हुए फिल्म में आपको टोटल छः छः गाने सुनने को मिलेंगे सभी वर्जनस में जिसके जो राइट्स है वो खरीदे हुए टिप्स म्यूज़िक ने सभी वर्जनस के लिए अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के तहत इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काल की कृष्णमूर्ति के बुक के ऊपर से बनाया गया है जहाँ पे इस फिल्म का एक एडेप्टसन लिया हुआ है सिनेमेटिक लिबर्टी के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को करीबन दो पार्ट में बेचा गया है जिसमें अलग अलग किरदार के लिए अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 2010 से इस फिल्म के डायरेक्टर मनी रत्नम काम करते हुए नज़र आ रहे जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बारीकी डिटेल के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे पहले इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाने वाले थे जहाँ पे मनी रत्नम खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें फाइनलाइज़ की गई थी जहाँ पे टेक्नीशियन में म्यूजिक की डिपार्टमेंट ए आर को दिया गया था सिनेमेटोग्राफी संतोष सिवान को दी गई थी एडिटर ए श्रीकार प्रसाद फिक्स किए गए थे आर्ट डायरेक्टर सब उस को फिक्स किया गया था लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा था और उसके बाद में इस फिल्म के साथ काफ़ी लंबे समय तक थोड़ा बहुत काम चलता रहा लेकिन प्रॉपर वे में जो काम स्टार्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा था उसके बाद में जनवरी 2019 में फिल्म के ऊपर थोड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली जहाँ पे मनी रत्नम ने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को पोनियन सेलवन नाम के साथ दो पार्ट में रिलीज़ करेंगे जहाँ पे उनके साथ इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने वाले लाइका प्रोडक्शन जहाँ पे इससे पहले चेका चिवंता वनम फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलने वाले जैसे कि विक्रम विजय सेतुपति जय अम रवि जहाँ पे वो कुछ लीड रोल्स प्ले करने वाले थे सिलम बरसन को क्रूसल रोल दिया गया था अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए साइन किया गया था तो इस तरह से इस फिल्म के जो मुख्य किरदार है उसके लिए कास्टिंग की जा रही थी लेकिन फिल्म में बाद में एक मेजर चेंज देखने को मिला अप्रैल 2019 में जहां पे विजय सेतुपति ने इस फिल्म के प्रोजेक्ट से साइड ले ली क्योंकि उनकी शेड्यूल है वो मैच नहीं हो रही थी उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारी फिल्में साइन कर रखी थी जिसकी बदौलत बाद में उनको रिप्लेस किया कार्थी ने और इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी जहाँ पर इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन भी देखने को मिलने वाली थी तो ये कुछ आर्टिस्ट फिक्स किए गए थे लेकिन बाद में ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुई तब अनुष्का सेट्टी वहाँ पे नहीं थी पहले जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी वहाँ पे अनुष्का सेट्टी का नाम आया था लेकिन बाद में वो नाम चेंज हो गया और उसके बाद बताया जा रहा था कि अमला पोल वो रोल प्ले करेगी लेकिन और उसके ऊपर भी प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिली थी लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार फिक्स था वेटेरन एक्टर आर पार्थिबन जयराम को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल दिए गए थे इलांगो कुमारवेल ने अनाउंस किया था कि वो इस फिल्म को उस स्क्रीन प्ले वो को राइटर है उसके तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही थी बाद में काफ़ी सारे और भी चेंजेस हो रहे थे और उसी के बीच में सभी फिक्सिंग की गई थी सभी आर्टिस्ट की लेकिन फिर से बाद में कुछ ऐसी चीजें आई जहाँ पे एडिशनल कास्टिंग के तहत त्रिशा कृष्णन को रोल दिया गया ऐश्वर्या लक्ष्मी को लाया गया विक्रम प्रभु को इम्पोर्टेंट किरदार के लिए साइन किया गया जहाँ पे सीलम्बर हसन और दूसरे आर्टिस्ट थे उनको चेंज करते हुए इन आर्टिस्ट को फिक्स किया हुआ था इस फिल्म में टोटल पचास किरदार कम से कम आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे पोनियन सेलवन के जो पूरा एक पूरे कई सालों का जो हिस्ट्री दिखाया हुआ है उसमें इतने किरदार वो मेन रहने वाले जिसमें पंद्रह तो फिक्स है वो लीड एक्टर्स है इस फिल्म में पंद्रह ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है और फिल्म की कहानी में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं तो इसी बदौलत इसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स चाहिए थे जिसके लिए तो काफ़ी हैवी बजट चाहिए था तो सौ करोड़ में तो फिल्म बनने से रही थी उसके बाद में इस फिल्म का बजट धीरे धीरे बढ़ाते गए जहाँ पे ये फिल्म फाइनली 500 करोड़ के बजट के साथ बनी हुई है अब इस फिल्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पहला पार्ट ही इस फिल्म का बताया जा रहा है कि 500 करोड़ का है तो अब देखने वाली बात यह कि दूसरा पार्ट कितना बड़ा और कितने बड़े बजट के साथ बनाया जाएगा और ये सभी चीज़ें डिपेंड रहेगी पहले पार्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर उसके सक्सेस के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो ग्यारह दिसंबर दो को कराबी कंचम्बुरी में स्टार्ट की गई थी इसके अलावा कुछ थाईलैंड के दूसरे लोकेशंस में भी फिल्म को शूट किया था वहाँ पे इस फिल्म को करीबन 40 दिन शूट किया हुआ था पहला शेड्यूल जनवरी 2020 तक कंप्लीट करवाया हुआ था दूसरे शेड्यूल को चेन्नई में ही स्टार्ट किया गया था बाद में इस फिल्म को पौंडीचेरी में, में भी शूट किया हुआ था और इस फिल्म के सेकंड शेड्यूल को तीन फरवरी दो में पौंडीचेरी से स्टार्ट करते हुए कम्प्लीट करवाया हुआ था करीबन छः दिन का वो शेड्यूल था उसके बाद उसका नेक्स्ट शेड्यूल हैदराबाद में ले जाया गया था वहाँ पर इस फिल्म को दस फरवरी से शूटिंग स्टार्ट की गई थी और उसको पूरा शूटिंग है वो रामोजी फिल्म सिटी में सेट किया हुआ था सेकंड शेड्यूल है वो उसको 16 26 फरवरी 2020 को कंप्लीट किया हुआ था उसके बाद में धीरे धीरे इस फिल्म के साथ शूटिंग के पोर्शन के ऊपर काम करते रहे कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म रुक भी गई थी बीच में उसके बाद में फिर से फिल्म को रिज्यूम सितंबर 2020 तक किया गया था वहाँ पे कुछ शूटिंग को श्रीलंका में भी किया हुआ था कुछ रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए पूरी शूटिंग को धीरे धीरे कंप्लीट करवा रहे थे उसी के बीच में फिल्म के जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका था तीन फरवरी 2021 को इस फिल्म का एक स्पेशल नंबर था जो त्रिसा को लेकर और दूसरे ढाई सौ आर्टिस्ट थे जिसको लेकर एक ह्यूज सेट क्रिएट करके उसको रामाजी फिल्म सिटी में फिल्माया गया था इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग शेड्यूल के तहत हैदराबाद चेन्नई पौंडीचेरी और ऐसे अलग अलग लोकेशंस को लेकर फिल्म को शूट किया हुआ था अगस्त महीने में फ़िल्म को मध्य प्रदेश में कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जैसे कि और छा ग्वालियर जैसे कई अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में लेट अगस्त 2021 में जयाम रवि विक्रम ने अपने अपने पोर्शंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था उसके बाद में इस फिल्म को महेश्वर ले जाया गया जहाँ पे कुछ एक और बड़ा शेड्यूल रखा गया था कार्तित त्रिशा का और उसके बाद में 4 सितंबर 2021 में रहमान ने कंफर्म किया था कि इस फिल्म के काफ़ी सारे पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं उन्होंने काफ़ी सारे पोर्सन्स के लिए म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने एक दो सॉन्ग्स का कंपोजिशन भी प्रॉपर वे में सेट कर दिया है तो इस तरह से इस फिल्म का काम किया जा रहा था मार्च 2022 तक फिल्म का मोस्ट ऑफ काम शूटिंग कंप्लीट हो चुका था लेकिन थोड़ा पेच वर्क बाकी था जिसको कंप्लीट करने में सात दिन लगे थे तो मार्च 2022 के एंड तक पूरी तरह से फिल्म को शूट करवा लिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन में 27 सितंबर 2021 से डबिंग का काम स्टार्ट किया हुआ था त्रिशा ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अपने डबिंग के लिए खुद वॉइस दी हुई है वहीं पे कुंदा वही का जो रोल है और पुगोल वही का जो रोल है वो रोल वो प्ले करे तमिल वर्जन में उनका खुद वॉइस ओवर सुनने को मिलेगा विक्रम ने अपने लिए टोटल पाँच लैंग्वेज में डब किया हुआ है उन्होंने तमिल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज तेलुगू लैंग्वेज मलयालम और कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए खुद वॉइस ओवर किया हुआ है वहीं पे जाया रवि कार्थी ने अपने लिए तमिल और तेलुगु वर्जन में डब किया हुए तो मेहनत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट काफी बड़ा है इस फिल्म का, काफी मेसिव और एक बड़ा बैकबोन माना जाएगा इस फिल्म के लिए क्योंकि जो इस फिल्म का थीम है उसमें बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके बीजीएम तो इसको 2021-22 में बीजीएम और सॉन्ग्स को कंपोज किया गया था पंच रिकॉर्ड इन और एम स्टूडियो चेन्नई में जहाँ पे तमिल लैंग्वेज में पहले बनाया गया था जिसके राइट्स टिप्स म्यूजिक को काफी बड़ी रकम में बेचे गए थे ए आर रहेमान है वो इस फिल्म के म्यूजिक कंपोज़र है जिन्होंने इस फिल्म में टोटल छः गानों को कंपोज किया हुआ है तो ये सभी गाने आपको फिलहाल में टिप्स म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पे पहला गाना है पौन्नी नादी तमिल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ पौन्नी नादी जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए इलांगो कृष्णन ने वहीं पर सिंगर थे आर रहमान ए आर रेहानन ब्र ब्रह्मा बाक्या सत्यन प्रकाश और इस फिल्म का दूसरा गाना चोला चोला जिसके लिरिक्स लिखे हुई लांगो कृष्णा ने सिंगर थे अभ्यंकर नकुल वी एम महालिंगम और सत्य प्रकाश तीसरा गाना था राम जिसके लिरिक्स लिखे थे काबिलान ने सिंगर थे श्रेया घोषाल पलक्कड़ श्री राम महेश विनायक रन चौथा गाना था सोल जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णी कृतिका नेल्सन ने सिंगर थे रक्षिता सुरेश पांचवा गाना था अलाई कडल जिसके लिरिक्स लिखे हुए शिवा आनंद ने सिंगर थे अंतर आनंदी छठा गाना था अत्तम जिसके लिरिक्स लिखे और सिंगर थे किया हुआ है, सभी गानों की जो लिरिक्स है, वो महबूब ने लिखे हुए थे पहला गाना था कावेरी से मिलने उसको गाया हुआ है रहमान स्वागत राठौड़ और पूजा तिवारी ने दूसरा गाना है चोला चोला जिसको गाया हुआ विशाल मिश्रा और स्वागत राठौड़ ने तीसरा गाना है राक्षस मामारे जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल शान मुखर्जी और महेश विनायक करम ने चौथा गाना बोल जिसको गाया हुआ श्रेया घोषाल ने वहीं पे पांचवा गाना है डूबी डूबी जिसको गाया हुआ है अंतरा नंदी ने छठा गाना है देवरलाल नाच जिसको गाया हुआ है सुदीप जयपुर वाले ने तो इस तरह से इन गानों को हिंदी वर्जन में भी क्रिएट किया हुआ दूसरे सभी जैसे कि तेलुगु मलयालम कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए अलग अलग सिंगर और एम के पास इस गानों को रिक्रिएट करवाया हुआ था रहमान के थ्रू साउंड ट्रेक फिलहाल में सुनने में ऐसा नजर आ रहा है कि डिसेंट है लेकिन ये सभी गाने अगर जब फिल्म के साथ चलेंगे तो मेरी मानना है कि ये और बेहतर वे में उन सभी सीन्स को निखार के लाएंगे फिल्म का बीजीएम फिल्म के गाने फिल्म को बेहतर वे में सपोर्ट करने वाले है और करना ही चाहिए तभी इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो आइडिया है वो और निखर के आ पाएगा इस फिल्म की मार्केटिंग के पीछे भी काफ़ी मेहनत की जा रही है अलग अलग समय पे अलग अलग एक्टर्स के थ्रू जैसे कि चीफ गेस्ट के तौर पे ट्रेलर और सॉन्ग जो रिलीज़ किए थे तब रजनीकांत और कमल हसन को बुलाया गया था तो इस तरह से काफ़ी बड़े एक्टर्स को लेकर उनके साथ काम करवाया जा रहा है जैसे कि कमल हसन जी ने तमिल वर्जन में जो वॉइस ओवर ट्रेलर में सुनने को मिल रहा है वो उन्होंने दिया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए अनिल कपूर ने दिया हुआ था तेलुगु वर्जन के लिए राना दगुबाती ने दिया हुआ था पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म के का मलयालम वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है और जयंत कालकिन ने इस फिल्म के लिए कन्नडा वर्जन में वॉइस ओवर किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म को काफ़ी मेसिव वे में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हिंदी वर्जन में रोडा बना हुआ है वो है ए विक्रम वेदा वो भी ऋतिक रोशन स्टारर तो वो फिल्म का भी बस मार्केट में अच्छा चल रहा है वहीं पे ये फिल्म मार्केट में उतनी गर्म नहीं है पी वन साउथ इंडियन लैंग्वेज के बारे में तो नहीं पता लेकिन हिंदी वर्जन में उसका बस जीरो है तो अब जीरो बस के साथ इस फिल्म को अगर इतने बड़े बजट की फिल्म को रिलीज करोगे तो काफ़ी मुश्किलेंत आने वाली है अब देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म का कंटेंट थिएटर पे कितना बोलता है कितनी स्क्रीन्स मिलती है हिंदी वर्जन में स्टार्टिंग में बहुत कम स्क्रीन्स मिलने वाली क्योंकि इस फिल्म की सभी स्क्रीन से वो बहुत कम इसलिए रहेगी क्योंकि सबसे बड़ी मेन रीज़न है विक्रम वेदा ऋतिक रोशन स्टार और वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेगी इसके अलावा फ़िलहाल में जो ये फिल्म चल रही है यानी कि काफ़ी सारी फिल्में हिंदी वर्जन में चल रही है जिसमें से अभी फिलहाल में जिस तरह से ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र चल रहे तो उसको भी थोड़ी स्क्रीन्स दी जाएगी तो उस हिसाब से इस फिल्म को काफ़ी कम स्क्रीन्स मिलने वाले अब देखते हैं कि इतनी स्क्रीन्स में ये फिल्म कितना कमाल कर पाती है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के ऊपर और इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स और कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी कितने में बिके थे उसके बारे में इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है 30 सितंबर 2022 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ 170 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बजट करीबन 500 करोड़ जितना बताया जा रहा है तो इतने बड़े बजट के साथ इस फिल्म को लाया जा रहा है जहां पे इस फिल्म के बजट को रिकवर करने के लिए कम से कम इस फिल्म को कम से कम आठ करोड़ का तो कलेक्शन करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म अपना जितना बजट डाला हुआ है उतना कवर कर सकती है थिएटर से अदरवाइज वैसे तो इस फिल्म के ओ राइट्स टी राइड्स सेटेलाइट राइड्स को काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया है जहाँ पे ओ राइट्स पांच राइड्स लैंग्वेज के लिए 125 करोड़ में बिके हुए तो एक अच्छी बात है इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए हैं बड़ी रकम से के वहीं पे सेटेलाइट राइट्स से साउथ इंडियन लैंग्वेज़ के लिए सन टी वालों ने खरीदे हुए सभी वर्जन के वहीं पर हिंदी वर्जन के बारे में अभी तक पता नहीं चला है तो पहले इस फिल्म के म्यूजिक सैटेलाइट ओ टी बेच दिए तो काफ़ी सारा प्रॉफिट वहाँ से आएगा लेकिन थिएटर पे इस फिल्म को रन करना पड़ेगा तभी जाके फिल्म एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो सकती है वैसे इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में बड़ी ओपनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता कार्थी है विक्रम है ज्याम रवि है इतने तीन बड़े दिग्गज स्टार है तो ये तीन एक्टर्स मिलकर वैसे ही इस फिल्म को बढ़िया से बढ़िया ओपनिंग दिलवा देंगे इस फिल्म के पहले दिन की ओपनिंग सभी लैंग्वेज की वर्ल्ड वाइड जो ओपनिंग रहेगी वो करीबन सत्तर से अस्सी करोड़ की कम से कम होने वाली अब देखने वाली बात ये है कि ये इससे और कितने बड़े लेवल पर आगे जाके फिल्म बड़ी हो पाती है और ये सभी चीज़ें जब फिल्म रिलीज होगी तीस सेप्टेम्बर दो को उसके पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर डिपेंड करेगा जैसा ही वर्ड ऑफ माउथ रहा फिल्म उस कदर उस लेवल पर आगे जाके बड़ी होने वाली क्योंकि काफ़ी सारी लैंग्वेज में फिल्म रिलीज हो रही पांच लैंग्वेज में तो इस फिल्म को वैसे अगर पॉजिटिव ऑफ माउथ मिला तो यह फिल्म वैसे ही बड़ा कलेक्शन करके देगी भले ही धीरे धीरे लेकिन जैसे ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो स्क्रींस बढ़ेगी सभी लैंग्वेजेस में और तमिल लैंग्वेज में भी ये फिल्म स्टेडी रहेगी अदरवाइज तीन दिनों में फिल्म गिर सकती है अगर ये फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म पहले तीन दिनों में ही दो सौ करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन कर सकती है सभी वर्जनस का मिला के डेढ़ सौ से दो सौ करोड़ का वहीं पर मंडे से पता चलेगा कि फिल्म वो लोगों को कितने पसंद आ रही है अगर वहाँ पर ये फिल्म स्टेडी रही तो ये फिल्म एक लंबा रन ले सकती है और आठ सौ से हज़ार करोड़ का ग्रोस कलेक्शन लाइफ टाइम का कलेक्शन करके दे सकती है अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर मेकर्स ने किस तरह से कितना काम किया हुआ है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लोगों को यह कंटेंट कितना इंगेजिंग और एंटरटेनिंग नजर आता है और इस फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए वो कितने उत्सुक हो पाते हैं अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो फिल्म को काफी बड़े पैमाने पे रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे एक ऐसी पहली तमिल फिल्म है जिसको आई में रिलीज़ किया जा रहा है वैसे इस फिल्म को मई जुलाई 2022 में लाने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी फिल्में रिलीज हो रही थी प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी डिले हो रहा था इसकी वजह से इस फिल्म को डिले किया गया पोस्टपोन किया गया जहाँ पे फाइनली अब ये फिल्म तीस सेप्टेम्बर दो को थिएटर में लग रही है इस फिल्म के ओ राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने एक करोड़ में खरीदे हुए सभी लैंग्वेजेस

तो थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद ये फ़िल्म सन टीवी के जितनी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज़ की चैनल है जैसे कि तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा वर्जन के लिए वहाँ पर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पे साइंटेसली हिंदी वर्जन में कोई बड़े हिंदी लीडिंग टेलीविज़न चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के पास इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स है सभी लैंग्वेज के लिए हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्सनस के लिए तो ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी थिएट्रिकल रिलीज़ के दो तीन महीनों के बाद विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर सेटेलाइट राइट सन टी के पास है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए तो वहाँ पर फिल्म अलग अलग लैंग्वेज के लिए सन टी के अलग अलग चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद प्रीमियर करवाई जाएगी ठीक सेम साइमेंट इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बड़े लीडिंग टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओ टी टी और थियेटर के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दी है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दी हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक प्रोडिक्शन दिया हुआ है साथ ही में इस फिल्म का स्टार का सपोर्टिंग कास्ट का जो किरदार है कैरेक्टर है उसके ऊपर डीप में चर्चा की हुई है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत की हुई है फिल्म के स्टोरी के ऊपर भी एक आइडिया दिया हुआ है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू